हाँ जी, तो कल अपन ने क्या देखा था कि भाई असेसमेंट एंड प्रोसीजर के अंदर जो अपना असेसिंग ऑफिसर होता है वो क्या करेगा, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। अच्छा, कौन कौन से सेक्शन में ऑर्डर पास कर सकता है, तो देखो ये जरा, उसने ऑर्डर पास कर दिया 143 सबसेक्शन 3 में, रेगुलर असेसमेंट करा, स्क्रूटनी असेसमेंट करा, 144 करा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करा, 147 में क्या करा, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करा। तो उसने असेसमेंट करके ऑर्डर पास करा और आपको बोला कि भाई बुडबक तुम मुझे 1 लाख रुपए दे, ठीक है। तो उसने ऑर्डर पास करके मुझसे क्या मांगा, 1 लाख रुपए मांगा। अच्छा, मैं बोला कि भाई देख तू 1 लाख रुपए जबरदस्ती मांग रहा है, मैं तुझसे अग्री नहीं करता हूँ, तो मेरे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो रोहन के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है कि अगर असेसिंग ऑफिसर, कोई भी असेसिंग ऑफिसर बेसिकली क्या कर रहा है, मेरा अगेंस्ट ऑर्डर पास कर रहा है, तो मैं अपील फाइल करूंगा किसको, मैं अपील फाइल करूंगा कमिश्नर अपील्स को। तो देखो क्या देगा, सीआईटी अपील्स या फिर ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स को। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ और सिर्फ सीआईटी अपील्स हुआ करता था, लेकिन क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो सरकार ने क्या करा, जेसीआईटी अपील्स ही बना दिया कि भाई अगर एओ का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट अपील किस किस को जा सकती है, जेसीआईटी अपील्स को और सीआईटी अपील्स को। कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसके भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं फिर कहाँ अपील फाइल करूंगा, मैं फिर अपील फाइल करूंगा आईटेट पे, इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल पे। अच्छा, इसके ऑर्डर से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर हाई कोर्ट, और उसके बाद जाऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ये तो हो गई अपनी अपलेट हायरार्की। अब देखो क्या रखा है, अपील टू जेसीआईटी अपील्स या फिर सीआईटी अपील्स। तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपन क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा, उसने मुझे ऑर्डर पास कर दिया और बोलता है कि भाई तू इतनी पेनल्टी दे, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, अपील फाइल करूंगा जेसीआईटी या फिर सीआईटी अपील्स पे। अच्छा, जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर होता है 154 के अंदर, उसके अंदर भी मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली अपील फाइल कर सकता हूँ सीआईटी अपील्स या फिर जेसीआईटी अपील्स को। तो कन्वीनियंस के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सीआईटी अपील्स बोलूंगा, जब जहां भी मैं सीआईटी अपील्स बोलूँ आप जो है डीम समझ लेना कि वहां पर जेसीआईटी अपील्स भी आएगा। अच्छा, कल अपने देखा था कि भाई अपनी जो 143 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या होती है, रिटर्न प्रोसेस होती है, उसके अंदर इंटीमेशन निकल के आता है। अच्छा, इंटीमेशन से अगेन मैं सेटिस्फाइड नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगा, सीआईटी अपील्स के पास। अच्छा, ऐसे ही टीडीएस से टीसीएस इंटीमेशन आता है। इसी तरह से देखो, अगर ऑर्डर पास करा गया है डीमिंग एंड एसएससी टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप क्या करते हो, आरओआई फाइल करते हो, टैक्स वैक्स पे नहीं करते, तो आप क्या बन जाते हो, एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाते हो। तो एसएससी इन डिफॉल्ट का ऑर्डर पास हो गया आपके अगेंस्ट पे, ठीक है, तो भी आप कहाँ जा सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो सीआईटी अपील्स पे। अच्छा, देखो क्या दे रखा है कि अबव 5 ऑर्डर्स कैन बी अपीलेबल बिफोर सीआईटी अपील्स एज वेल। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो ऑर्डर्स हैं किसको किसको जा सकते हैं, जेसीआईटी अपील्स के पास भी या फिर सीआईटी अपील्स के पास भी आप जो है अपील फाइल कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि भाई केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो फिर सरकार ने क्या करा, जेसीआईटी अपील्स बनाई। अब सरकार क्या करेगी, अगर उसको लगता है कि भाई सीआईटी अपील्स के पास बहुत ज्यादा काम है, तो क्या कर सकती है, कुछ केसेस को ट्रांसफर कर सकती है, किसको, जेसीआईटी अपील्स को। ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं किसको, सीआईटी अपील्स को या फिर जेसीआईटी अपील्स को, उसका प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। अच्छा, अपील कौन फाइल करेगा, ऑफकोर्स एसएससी फाइल करेगा। तो बेसिकली ये क्या है, एओ है, एओ ने जो है ऑर्डर पास करके दे दिया किसके अगेंस्ट पे, एसएससी के अगेंस्ट पे। अगर एसएससी अब सेटिस्फाइड नहीं है किस ऑर्डर से, एओ के ऑर्डर से, तो वो क्या करेगा, अपील फाइल करेगा किसको, सीआईटी अपील्स को। तो वो क्या दे रखा है, एसएससी फाइल करेगा अपील किसको, बेसिकली सीआईटी अपील्स को। कितने दिन में फाइल करेगा, तो देखो ये दे रखा है कि भाई जिस दिन आपको नोटिस ऑफ डिमांड मिल जाता है, अगर आपका क्या है असेसमेंट ऑर्डर है या फिर पेनल्टी ऑर्डर है, तो असेसमेंट या पेनल्टी ऑर्डर है तो सीधी सी बात है एओ क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर आपको जो है नोटिस ऑफ डिमांड देगा कि भाई इतनी डिमांड हम निकाल के दे रहे हैं, आप पे करो। तो जिस दिन आपको जो है क्या मिल जाता है, नोटिस ऑफ डिमांड मिल जाता है, उसके विद इन 30 डेज में आपको क्या करनी है, अपील फाइल करनी है। इन एनी अदर केस, इसके अलावा कोई और केस है, इसके अलावा कोई और केस है, तो जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व कर दिया जाता है, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके विद इन 30 डेज में आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। तो क्या रखा है, डेट ऑन विच आपको इंटीमेशन मिल गया ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी अपील इज सर्व, ठीक है। तो बेसिकली जिस दिन आपका ऑर्डर था वो आप पे सर्व कर दिया गया, मतलब जिस दिन आपको ऑर्डर मिल गया उसके विद इन 30 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके विद इन 30 डेज में आप अपील फाइल कर सकते हो। अच्छा, सीआईटी अपील से जेसीआईटी अपील आपको 30 डेज के बाद भी जो है ऑर्डर फाइल करने का अलाउ कर देगा, सॉरी अपील फाइल करने के लिए अलाउ कर देगा, अगर सफिशियंट रीजन है तो। वो क्या रखा है, डिले कैन बी कंडोन बाई सीआईटी अपील अगर उसको लगता है कि भाई अपलेंट के पास सफिशियंट कॉज थे फॉर नॉट फाइलिंग अपील विद इन 30 डेज। ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा, ये जो 270AA वाला पॉइंट है ना, ये अपन जब पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन का सेक्शन करेंगे जब जाके अपन समझेंगे, इसको अभी इधर आप जो है एक बार स्किप कर दो। अच्छा देखो, ये दे रखा है कि भाई आप अपील फाइल नहीं कर सकते। देखो बेसिकली आपने क्या करा, सबसे पहले आरओआई फाइल करी, आपने आरओआई फाइल करी, एओ ने क्या करा, इसको 143 सबसेक्शन 3 के अंदर से सपोज स्क्रूटनाइज करा, और उसने क्या नहीं 143 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर पास कर दिया और बोलते हैं कि भाई आप जो है 1 लाख रुपए पे करो, बोलता है मुझसे 1 लाख रुपए पे करो। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील फाइल कर सकते हो इसको सीआईटी अपील्स को, ठीक है। लेकिन सरकार ये कहती है कि आप अपील तभी फाइल कर सकते हो जब आपने जो आरओआई भरी थी उसके अंदर जो आपका टैक्स बनता था वो आपने खुद ही पे कर दिया था। तो बेसिकली मैंने आरओआई फाइल करी अपनी और मैंने सरकार को बोला मेरी इनकम है 1 करोड़, लेट अस से सपोज मेरा टैक्स निकल गया था 10 लाख का, तो मैंने 10 लाख का टैक्स पे कर दिया था, ठीक है। फिर एओ ने क्या करा, इसको स्क्रूटनाइज करा 143 सबसेक्शन 3 में, एओ बोलता है आपकी इनकम होनी चाहिए 2 करोड़, एओ बोलता है कि आपका टैक्स बनता है कितना, 20 लाख का। मैंने बोला, मैंने अपील फाइल कर दी किसको, मैंने अपील फाइल कर दी सीआईटी अपील्स को। तो सीआईटी अपील्स मुझे ये कहती है कि आप अपील फाइल कर सकते हो, बट कंडीशन ये कि जब अपनी आरओआई भर रहे थे तो जो आपने खुद टैक्स असेस करा था, खुद टैक्स को सेल्फ असेस करा था, वो आपने पे कर दिया है। तो देखो वही दे रखा है, ये
भाई नो एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड, आप अपील फाइल नहीं कर सकते अनलेस द एसएससी हैज पेड टैक्स ड्यू ऑन द आरओई, अगर उसने क्या करी है आरओई फाइल करी है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल उसने आरओई फाइल नहीं करी है, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल आरओई फाइल नहीं करी है तो उसने क्या करा है बेसिकली अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया है। तो अगर आपने खुद ही आरओई फाइल करी थी तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने खुद टैक्स एसेस करा है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने आरओई फाइल नहीं करी थी, अगर आपने आरओई फाइल नहीं करी थी तो आप अपील तभी फाइल कर सकते हो जब आपका जो एडवांस टैक्स बनता था उस पर्टिकुलर ईयर का वो आपने पे करा है। अच्छा अब देखो क्या दे रखा है कि भाई सीआईटी अपील्स में एग्जेम्प्ट एन एप्लीकेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द अपलेंट। ठीक है तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने आरओई फाइल नहीं करी तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है, लेकिन अगर सीआईटी अपील्स को लगता है, सीआईटी अपील्स को लगता है कि भाई कोई जेन्युइन रीजन था या फिर सफिशियंट रीजन था, तो वो कह सकता है कि भाई ठीक है आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जेम्प्ट कर सकता है एप्लीकेंट को फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मैंने आपको बताया कि भाई आरओआई में आपका टैक्स दिखाया आपने 10 लाख का, ठीक है 143 सबसेक्शन 3 में एओ ने ऑर्डर पास करा, बोला टैक्स बनता है कितना 20 लाख का, ठीक है तो वो मुझे ऑर्डर सर्व कर देता है, बोलता है कि भाई जो है 10 लाख और पे करो, बेसिकली आपने 10 लाख पे कर दिए थे, बोलता है 10 लाख और पे करो, तो मुझसे डिमांड मांग रहा है ना कितने की 10 लाख की। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई सीआईटी अपील्स क्या कर सकता है, जो डिमांड है उस पर स्टे लगा सकता है, स्टे बोले तो कि भाई रुक जाओ, असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा कि भाई तू अभी डिमांड मत मांग, जैसे ही हम अपना डिसीजन दे देंगे उसके बाद जो है तू डिमांड मांगना। तो सीआईटी अपील्स कैन ग्रांट स्टे ऑफ डिमांड ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द एसएससी। तो मैंने आपको बताया कि भाई कन्वीनियंस पर्पस के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सीआईटी अपील्स बोल रहा हूँ, जहां जहां सीआईटी अपील्स आ रहा है वहां पर जो है आप डीम समझना कि जेसीआईटी अपील्स भी है। इतनी कहानी समझ में आ गई, सबसे पहले अपन ने किसको अपील फाइल करी, जेसीआईटी अपील्स को या सीआईटी अपील्स को। अब देखो फीस दे रखी है भाई, आप जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, अपील फाइल कर रहे हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई जो असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास करा उसे मेरी टोटल इनकम 1 लाख तक दिखाई है, 1 लाख तक दिखाई है, तो उनको फीस फाइल करनी है 250 रुपये। अगर मेरी टोटल इनकम 1 लाख से ज्यादा है लेकिन अप टू 2 लाख है, तो मेरे को फीस कितनी फाइल करनी है, फीस कितनी देनी है 500 रुपये। वेदर टोटल इनकम वेदर द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी हैज कंप्लीट अबव इज मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा है, तो मेरे को फीस कितनी फाइल करनी है 1000 रुपये की। और इनके अलावा कोई और केस है तो मुझे जो है कितनी फीस फाइल करनी पड़ेगी, कितनी फीस देनी पड़ेगी, बेसिकली 250 रुपये की। कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा अपील जो है फॉर्म नंबर 35 में फाइल होगी, काम का नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, आपने आरओआई फाइल करी, ठीक है 143 के अंदर, 143 के अंदर क्या करा एओ ने आपका जो है स्क्रूटनी असेसमेंट खोल दिया, उसने आपको नोटिस दिया होगा, मैंने आपको बताया था ना कि भाई 143 सबसेक्शन 2 में उसको नोटिस देना पड़ता है, उसने आपको नोटिस दिया और पूछा कि भाई हम आपका जो है असेसमेंट क्यों ना खोले, आपने जो है क्या करा उसको, आपने जो है उसको रिप्लाई करा और बोला देखो ये एविडेंस है, आप जो है प्लीज प्लीज मेरा 143 सबसेक्शन 3 मत करो। इतनी कहानी समझ में आ गई, लेकिन उसने एविडेंस अनसेटिस्फैक्ट्री मान के क्या करा 143 सबसेक्शन 3 में ऑर्डर पास कर दिया। फिर आपने क्या करी बेसिकली अपील फाइल करी किसको, सीआईटी अपील्स को। अच्छा अब सीआईटी अपील्स क्या कर सकता है, बेसिकली आपने जो इधर एविडेंस दिए थे ना, एविडेंस दिए थे, इसके अलावा भी एविडेंस को क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपने जो है एओ को पहले एविडेंस दे दिए थे, जब आपने अपील फाइल करी सीआईटी अपील्स को, तो आप जो है आप एसएससी जो है क्या कर सकता है, सीआईटी अपील्स को एडिशनल एविडेंस दे सकता है, इसके अलावा एडिशनल एविडेंस दे सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। देखो क्या दे रखा है, पावर टू एडमिट एडिशनल एविडेंस, ठीक है तो सीआईटी अपील्स कैन एडमिट एडिशनल एविडेंस बाय रीजंस रिकॉर्ड इन राइटिंग। कुछ रीजंस होने चाहिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला रीजन है एओ ने रिफ्यूज कर दिया था टू एडमिट द एविडेंस, मतलब एओ बोले तो असेसिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट ही नहीं करा था एविडेंस, या फिर एसएससी वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉस्ट टू प्रोड्यूस एविडेंस, ठीक है मतलब एसएससी जो है चला के एविडेंस नहीं दे पाया था, उसके पास क्या था सफिशिएंट रीजन था, या फिर एओ ने ऑर्डर पास कर दिया विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस द एविडेंस। तो जो एओ था वो बहुत बदमाश इंसान था, उसने जो है मेरा एविडेंस लिया ही नहीं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी नहीं, तो विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एविडेंस उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी नहीं कि भाई मैं एविडेंस प्रोड्यूस करूँ और फटाफट ऑर्डर पास कर दिया। तो इन तीन पर्टिकुलर केसेस में क्या हो सकता है, मैं एडिशनल एविडेंस किसको दे सकता हूँ, सीआईटी अपील्स को दे सकता हूँ। अब देखो सीआईटी क्या करेगी, सीआईटी बोलेगी कि भाई जो एओ ने ऑर्डर पास करा है वो सही है, या फिर जो एओ ने ऑर्डर पास करा है उसको कम कर देगी, या फिर एनहांस कर देगी, बढ़ा देगी, या फिर अनल कर देगी कि भाई जीरो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है तो बेसिकली सीआईटी अपील्स क्या कर सकती है, एओ के ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है कि भाई इसमें जो ऑर्डर पास करा है वो सही है, एसएससी हम आपकी अपील को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट का मतलब ये कि डिसीजन पास करके ये कहा कि भाई जो आप अपील फाइल कर रहे हो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जो एओ ने कहा है वही सही है। या फिर रिड्यूस कर सकती है कि भाई एओ ने फॉर एग्जांपल 20 लाख के ऑर्डर निकाला, डिमांड निकाला, सीआईटी अपील्स क्या कर देगी 15 लाख कर देगी, बढ़ा भी सकती है, देखना बढ़ा भी सकती है, अनल कर देगी मतलब जीरो। तो मैंने आपको बताया कि भाई क्या कर सकते हैं अपन, कंफर्म रिड्यूस इनहांस या अनल द असेसमेंट ऑर्डर और इनहांस और रिड्यूस द पेनल्टी। इतनी गाली समझ में आ गई। अच्छा एक और चीज देखना, इनको ऑर्डर कब तक पास करना है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द अपील इज फाइल बिफोर इन। तो जिस फाइनेंशियल में अपील फाइल करी गई है उसके ईयर एंड पे आ जाना, उसके विद इन 1 ईयर में इसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज समझना, एओ जो है एओ ने क्या करा, मैंने जो है फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने आरओई फाइल करी, मैंने अपनी आरओई फाइल करी, ठीक है एओ ने क्या करा बेसिकली 5 मैटर्स को क्या करा, ए बी सी डी 5 मैटर्स को पकड़ लिया मेरी आरओई में से, और उसमें क्या करा एडिशन 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 कर दिया। ठीक है समझ आ गई। तो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने आरओई फाइल करी है, एओ ने क्या करा जब मेरा असेसमेंट करा तो उसने 5 मैटर्स पकड़े, उसने जो है 5 मैटर्स पकड़े,
ए बी सी डी, पांच अलग अलग पर्टिकुलर मैटर्स पे उसने क्या करा, एडिशंस करा। अच्छा मैंने क्या करा, अपील फाइल करी ए और बी में। मैंने क्या करा, अपील फाइल कर दी ए और बी की, किसको, सीआईटी अपील को, कि भाई ये जो ए ने एडिशन करा है वो गलत है। ठीक है, इतनी कहानी सुनना गई। अच्छा जब मैंने अपील फाइल करी है, जब मैंने अपील फाइल करी है तो ये जो सीआईटी अपील्स है ये क्या कर सकता है, चला के सी डी ई, चला के क्या कर सकता है, सी डी ई को भी जो है एसेस कर सकता है। इतनी कहानी समझ आई। तो मैंने अपील फाइल करी थी सिर्फ और सिर्फ ए और बी के मैटर पे, कि भाई एसएससी बोल रहा है कि भाई एओ ने जो ए और बी मैटर पे एडिशन करे हैं वो मुझे गलत लग रहे हैं, आप इसको चेक करो। तो मैंने अपील फाइल करी सीआईटी बिल्स को। अब सीआईटी बिल्स क्या कर सकता है, अगर वो चाहता है तो सीडीई को भी जो है सेल्फ असेस कर सकता है। अब देखो, अपील को डिस्पोज करते समय सीआईटी अपील मे कंसिडर एंड डिसाइड एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन विच द ऑर्डर अपील अगेंस्ट वॉज पास्ड इवन इफ सच मैटर्स वर नॉट रेज बिफोर द सीआईटी अपील्स बाय द अपेलेंट। इतनी कहानी सुनना गई। तो भले ही एसएससी ने इन दो मैटर्स पे अपील फाइल करी थी, लेकिन अगर सीआईटी अपील्स चाहे, सीआईटी अपील चाहे तो क्या कर सकता है, कुछ ऐसे मैटर्स को भी पकड़ सकता है जो एओ ने अपने ऑर्डर में पास कर रखे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई आपने अपन अपन अपील फाइल करी ए और बी मैटर पे, सीआईटी अपील्स क्या कर सकता है, सीआईटी अपील्स सी डी ई मैटर्स को भी चेक कर सकता है। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा उन्हीं मैटर्स को चेक कर सकता है जो ऑर्डर में पास करे गए हैं किसने, एओ ने। अच्छा कोई एग्जाम्पल एफ करके मैटर है, तो एफ करके मैटर वो नहीं बता सकता। सीआईटी अपील्स के पास पावर क्या है, कि भाई जो एओ ने ऑर्डर पास करा है, जो एओ ने मैटर कंसिडर करे हैं उनको ही पकड़ सकता है। तो एसएससी ने अपील फाइल करी ए और बी के लिए, तो सीआईटी अपील चाहे तो सी डी ई को भी जो है चेक कर सकता है कि भाई एओ ने सही पास करे हैं कि नहीं करें। इतनी कहानी सुनना, कि वापस पढ़ना, अपील को डिस्पोज करते समय सीआईटी अपील्स कंसिडर कर सकता है और डिसाइड कर सकता है कोई भी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ प्रोसीडिंग इन विच द ऑर्डर अपील अगेंस्ट वॉज पास्ड इवन इफ सच मैटर्स वर नॉट रेज बिफोर द सीआईटी अपील्स बाय द एप्लीकेंट। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। तो सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास कर दिया, सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास कर दिया, अपने देखा टाइम लिमिट क्या है, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपील इज फाइल बिफोर यू। अच्छा मैं सीआईटी के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, तो मैं इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल पे चला गया। अच्छा इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल में डिविजन बेंच होती है, जिसके अंदर दो दो जज होते हैं, एक होता है अकाउंटेंट मेंबर और एक होता है जुडिशियल मेंबर। तो अकाउंटेंट मेंबर को सारे अकाउंट्स की नॉलेज होती है, जुडिशियल मेंबर को सारे लॉ की नॉलेज होती है। एक होता है स्पेशल बेंच, इसके अंदर क्या होता है, दो से ज्यादा जज होते हैं, और एक होता है सिंगल जज बेंच। अगर सिंगल जज बेंच में सिर्फ और सिर्फ एक जज हो सकता है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, अगर कोई एसएससी है जिसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, जिसकी एसएससी अप टू जिसकी अगर कोई एसएससी है जिसकी टोटल इनकम क्या है अप टू 50 लाख है, अगर उसने अपील फाइल करी किसको, आईटेट को, तो बेसिकली जो आईटेट में डिसीजन कौन दे सकता है, सिंगल सिंगल जज वाला, सिंगल जज जो है डिसीजन दे सकता है, मतलब सिंगल जज बेंच की, सिंगल जज बेंच डिसीजन दे सकता है, बट कंडीशन क्या है, भाई टोटल इनकम 50 लाख तक की होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाई आईटेट में क्या होता है, एक डिवीजन बेंच होती है जिसमें दो जज होते हैं, एक स्पेशल बेंच होती है जिसके अंदर दो से ज्यादा जज होते हैं। अच्छा जो डिसीजन होते हैं, जो डिसीजन होते हैं वो देखो कैसे होते हैं, डिसीजन शैल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, मतलब डिसीजन शैल बी टेकन बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। अगर मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड ऑन एनी पॉइंट, देन सच पॉइंट शैल बी रिफर्ड टू आईटेट का प्रेसिडेंट, ही शैल रिफर सच पॉइंट टू अदर मेंबर। क्या मतलब है, देखो ये जज है एक दो तीन, ये तीन जज हैं, ठीक है, एक और एक अपील आई इनके पास। अच्छा जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा, जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वो चलेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, भाई जो मेजोरिटी में डिसाइड हो गया वो चलेगा। तो डिसीजन शैल बी टेकन बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, तो जो मेजोरिटी जज कह रहे हैं वो ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन देखना, अगर मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड, मेंबर्स क्या है, इक्वली डिवाइडेड है, बोले तो दो जज थे, दोनों ही क्या करते हैं, अग्री करते हैं, दोनों ही डिसअग्री करते हैं। अब इस केस में ऑर्डर कैसे पास होगा, अच्छा इस मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड ऑन एनी पॉइंट। अच्छा सॉरी, मैंने क्या बताया कि भाई दो जज हैं, एक अग्री करता है, एक डिसअग्री कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई मेंबर्स क्या है, इक्वली डिवाइडेड है, एक अग्री कर रहा है, एक डिसअग्री कर रहा है, तो अब कैसे ऑर्डर पास हो। सरकार ने कहा, अपना लॉ ये कहता है कि भाई जो अब आईटेट का प्रेसिडेंट है, आईटेट के प्रेसिडेंट को ये दो जज कहेंगे क्या कि भाई मैं तो अगेंस्ट में हूँ और मैं फेवर में हूँ। तो आईटेट के प्रेसिडेंट को कहा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक नए मेंबर को अपॉइंट करेगा, एक नए मेंबर को अपॉइंट करेगा। अब ये जो भी डिसीजन लेगा, ये जो भी डिसीजन लेगा उसके बेसिस पे जो है ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसने कहा कि भाई ठीक है, ये वाला जो जज कह रहा है वो सही है, तो मेजोरिटी हो गई, फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर पास हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया डिसीजन मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा, लेकिन अगर मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड हैं, ठीक है, सो मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड ऑन एनी पॉइंट, देन शैल पॉइंट सच पॉइंट शैल बी रिफर टू आईटेट का प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि भाई एक नए मेंबर को अपॉइंट करो, एक नए मेंबर को अपॉइंट करो, एक नए जज को अपॉइंट करो। अच्छा वो जज जो डिसीजन लेगा फिर मेजोरिटी के बेसिस पे जो है डिसाइड हो जाएगा कि फर्दर रिफर्स टू सच पॉइंट टू अदर मेंबर। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर देगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर देगा। और मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई आईटेट के अंदर सिंगल जज का ऑर्डर दे सकता है ओनली व्हेन द टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा एक और चीज समझना, आईटेट जो है फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है। तो आपको दो चीजें समझाता हूँ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इधर लिख लेते हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अच्छा क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि भाई जो अपने इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है, जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है उसका अपन को इंटरप्रिटेशन चेक करना है, उसका अपने को इंटरप्रिटेशन चेक करना है।
जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है इंटरप्रिटेशन, अपन देखेंगे इंटरप्रिटेशन, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि भाई अपन छानबीन करेंगे, मतलब फैक्ट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई खर्चा करा, आपने कोई खर्चा करा वो कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है, वो कैपिटल खर्चा या रेवेन्यू है, वो क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। बिकॉज अपने को जो है लॉ को इंटरप्रेट करके देखना पड़ेगा कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होती है। तो कोई खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, लेकिन आपने कोई खर्चा करा है या नहीं करा है, खर्चा करा है या नहीं करा है वो क्या है, फैक्ट है। कि भाई अपन को एक्चुअल में चेक करना पड़ेगा एविडेंसेस के बेसिस पे कि भाई बेसिकली आपने एक्चुअल में खर्चा करा है कि नहीं करा है। तो एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो फैक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आप मजदूरी करोगे, आप क्या करोगे, छानबीन करोगे और ये देखोगे कि भाई एक्चुअल में फैक्ट्स क्या थे। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि भाई अपने जो इनकम टैक्स में प्रोविजन है उसका अपन को क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। तो जो आईटेट होती है ना, जो आईटेट होती है वो क्या है, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो अपनी सीआईटी पुलिस है इसके पास आप जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जा सकते हो या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेके जा सकते हो। थोड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको बताया कि भाई जो सीआईटी अपील्स है और जो जेसीआईटी अपील्स है इसके पास आप क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेके जा सकते हो। अच्छा, आईटेट के पास क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जा सकते हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेके जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट के पास आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जाओगे और सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जाओगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं कि भाई देखो हमारा समय बहुत ज्यादा कीमती है, हम तुम्हारे जैसे फालतू इंसान नहीं है जो बैठ के है ना फैक्ट्स को छानबीन कराएंगे, जो भी एक्चुअल में फैक्चुअल चीजें हैं उसको तुम लोग नीचे ही सुलटा लो, हम तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही देखेंगे। ठीक है, समझ आई। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भाई हमारे पास फालतू टाइम नहीं है कि भाई हम छानबीन कराएं, हम तो क्या करेंगे बस इंटरप्रिटेशन इश्यूज को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो वो कहां तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आईटीएट जाएगा। लेकिन आईटीएट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या लेके जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जा सकते हो। अब कहानी समझ आ गई। तो मैंने आपको बताया कि भाई आईटीएट क्या है, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। हाई कोर्ट के पास आप जो है ये लेके नहीं जा सकते कि भाई मैंने एक्चुअल में खर्चा कराया कि नहीं करा चेक कर लो। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई हम फालतू इंसान नहीं है। तो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी कौन है, आईटेट है। मतलब सीआईटी अपील्स और आईटेट के पास दोनों चीजें जा सकती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो कौन कौन से ऑर्डर्स, कौन कौन से ऑर्डर्स कैन बी अपीलेबल फॉर आईटेट। तो देखो सीधी सी बात है, जो सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा है उसके अगेंस्ट में अपील किसको फाइल करूंगा, आईटेट को। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि भाई डीआरपी के डायरेक्शन पे उन्होंने ऑर्डर पास करा है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अपील कहाँ जाती है, आईटेट के पास जाती है। रिवीजन ऑर्डर अंडर 263 अपन देखेंगे अभी आगे, 263 में कौन सा रिवीजन ऑर्डर होता है, उसकी अगर आपको अपील फाइल करनी तो कहाँ जाएगी, आईटेट पे जाएगी। तो 263 अपन थोड़ी देर में देखेंगे। अब देखो अपील कौन फाइल कर सकता है, अपील बेसिकली डिपार्टमेंट या एसएससी कोई भी फाइल कर सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंट या एसएससी कोई भी फाइल कर सकता है का मतलब क्या है, ये उन्होंने ऑर्डर पास करा, सीआईटी के पास अपील फाइल करी एसएससी ने। ठीक है, अच्छा सीआईटी ने एसएससी के फेवर में, एसएससी के फेवर में क्या दे दिया, डिसीजन दे दिया। तो अपील कौन फाइल करेगा, डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा किसको, आईटेट को। अच्छा एसएससी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है, एसएससी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है, तो एसएससी क्या करेगा, अपील फाइल करेगा किसको, आईटेट को। अच्छा अपील कब तक फाइल करनी है, तो देखो सीधी सी बात इन लोगों ने बताई, विदिन 60 डेज आपको फाइल करनी है। तो विदिन 60 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जिस दिन आपको ऑर्डर का कम्युनिकेशन मिल जाता है उसके विदिन 60 डेज में आपको जो है ऑर्डर फाइल करनी है। आईटेट 60 डेज के अलावा भी एडिशनल डेज दे सकता है अगर क्या है, सफिशियंट कॉज था फॉर डिले। एप्लीकेशन फॉर्म 36 में होगी। अच्छा एक और चीज समझना, अपन ने फीस देखी थी सीआईटी बिल्स में कितनी थी, 250, 500, 1000। ये क्या हो जाएगी, बेसिकली 250 की 500 हो जाएगी, 500 की 1500 हो जाएगी, और 1000 की कितनी हो जाएगी, 1% ऑफ द एसेस इनकम, 1% ऑफ द एसेस इनकम, या फिर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 10,000। तो फॉर एग्जाम्पल ये वो कहता है कि भाई आपकी एसेस इनकम है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 1% या फिर मैक्सिमम 10,000, तो आपको जो है 10,000 की पेनल्टी, सॉरी 10,000 की फीस देनी पड़ेगी किसको, आईटेट को, अपील फाइल करते समय। तो 500, 1500 और ये हो गया 1% ऑफ द एसेस इनकम या फिर मैक्सिमम 10,000। अदर केस में उधर देखा था अपने 250, आईटेट में कितना हो जाएगा, 500। अच्छा अगर अपील डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है, अपील डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है तो उसको फीस देने की जरूरत नहीं है। इतनी कहानी समझ आ गई। अभी एक और चीज देखना, तो सीआईटी पुलिस में अपील फाइल करते समय अपन ने देखा था कि भाई वो चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी जो डिमांड है उसको डिमांड पे स्टे लगा सकता है। लेकिन ध्यान रखना आईटेट भी स्टे लगा सकता है, आईटेट भी स्टे लगा सकता है, लेकिन आईटेट सिर्फ स्टे लगा सकता है मैक्सिमम 180 दिन का। ठीक है, अच्छा देखो स्टे ऑफ डिमांड अलॉन्ग विद द फीस ऑफ 500, एसएससी क्या कर सकता है, आईटेट को बोल सकता है कि हे प्रभु आप जो है मेरी डिमांड पे स्टे लगा दो, मैं आपको 500 रुपये की फीस दे देता हूँ। आईटेट क्या करेगा, आपकी जो डिमांड है उस पर स्टे लगा देगा, लेकिन मैक्सिमम कितने लगाएगा, 180 डेज। तो मैक्सिमम 180 दिन, 180 दिन का उसने स्टे लगा दिया कि भाई 180 दिन तक एओ जो है तुझसे पैसा नहीं मांग सकता। अब देखना 180 दिन खत्म हो गए, 180 दिन क्या हो गए, खत्म हो गए, और आईटेट ने अभी तक अपना डिसीजन नहीं दिया। 180 दिन क्या हो गए, खत्म हो गए, और आईटेट का अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ। लेकिन जो डिले था वो एसएससी के डिफॉल्ट की वजह से नहीं था। तो एसएससी ने जो है क्या करा, अपील फाइल कर दी आईटेट को, और एसएससी ने जो है आईटेट को बोला कि प्लीज
मेरी जो डिमांड है उस पर स्टे लगा दो। आईटेट ने स्टे लगा दिया 180 दिन का, तो मैंने आपको बताया कि भाई स्टे कितने का लग सकता है, मैक्सिमम 180 दिन का। 180 दिन खत्म हो गए, एओ जो है एसएससी के पास आता है, बोलता है लाओ पैसा लाओ। ठीक है, तो एसएससी जो है आईटेट के पास गया और आईटेट को बोला, हे प्रभु आपने 180 दिन के अंदर ऑर्डर पास नहीं करा। क्या नहीं करा आपने, 180 दिन का ऑर्डर पास नहीं करा, उसमें मेरी क्या गलती है, उसमें मेरी क्या गलती है। आप ऑर्डर पास कर देते, आप बोलते कि भाई पेमेंट करना है तो मैं कर देता, अभी तक आपने ऑर्डर ही पास नहीं कराए तो मेरी क्या गलती है। तो आईटेट ने बोला कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे इस 180 दिन को एक्सटेंड कर देंगे 365 दिन तक। देखो क्या दे रखा है कि भाई अगर आईटेट ने ऑर्डर पास नहीं करा और डिले जो डिले है वो एसएससी की वजह से नहीं है, तो आईटेट क्या कर सकता है, आपका जो स्टे ऑफ डिमांड है ना उसको एक्सटेंड कर सकता है। बट ध्यान रखना, ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन 365 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल इस दिन स्टे ऑफ डिमांड का ऑर्डर पास हुआ था, इसके 180 दिन तक क्या चलेगा मैक्सिमम, इसके बेसिकली मैक्सिमम 180 दिन तक अपन क्या कर सकते हैं, स्टे ऑफ डिमांड रख सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ और गलती एसएससी की नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 365 दिन हो जाएगा। मतलब इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक टोटल 365 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड पीरियड जो है 365 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, 365 दिन भी खत्म हो गए, अभी तक आईटेट ने ऑर्डर पास नहीं करा, तो आईटेट फिर से किसके पास गया, सॉरी एसएससी फिर से आईटेट के पास गया, बोला हे प्रभु आपने अभी तक ऑर्डर पास नहीं कराया, 365 दिन खत्म हो गए हैं। एओ जो है यमराज जो है मेरे सर पे तबला बजा रहा है कि लाओ डिमांड दो। ठीक है, तो आईटेट आईटेट क्या बोलता है, कोई बात नहीं अभी तेरी गलती नहीं थी, तो जो है बेसिकली हम क्या करेंगे, एओ को ये कह देंगे कि तुझसे वो पैसा नहीं मांगे। अब देखो अपील जो है 365 दिन के अंदर भी खत्म नहीं हुई, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टे स्टिल वैकेटेड ओनली इफ डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील इज अट्रिब्यूटेबल टू द एसएससी। हम ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ स्टे वैकेट होगा अगर 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 जो डिले था वो एसएससी के डिफॉल्ट की वजह से था, लेकिन अगर एसएससी की कोई गलती ही नहीं है, एसएससी की कोई गलती नहीं है तो ऑर्डर ऑफ स्टे शेल नॉट बी वैकेटेड। इतनी गाने सुन आ गई। अच्छा एक और चीज सुनना, जब आप क्या कर रहे हो स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो आईटेट को जो है आपको जो है कुछ पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कितना पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 20% ऑफ द अमाउंट पेबल। तो अगर 143 सबसेक्शन 3 और सीआईटी अपील्स ने कहा कि भाई आपको जो है 1 करोड़ का अमाउंट पे करना है, 1 करोड़ की डिमांड निकाल दी। अच्छा अपन ने क्या करा, आईटेट को ऑर्डर पास करा, सॉरी आईटेट को अपील फाइल करी। तो अपील फाइल करते समय मैं क्या बोलूंगा आईटेट को कि भाई मेरी जो डिमांड है उसे भी स्टे लगा दो। तो आईटेट कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम स्टे लगा देंगे, लेकिन जो तेरा अमाउंट था ना उसका एटलीस्ट 20% तुझे क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, स्टे ऑफ डिमांड के लिए एसएससी को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, कुछ पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और क्या है एटलीस्ट 20% ऑफ द अमाउंट पेबल। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो क्या दे रखा है, पावर टू एडमिट एडिशनल एविडेंस। आईटेट क्या कर सकता है, बेसिकली एडिशनल एविडेंस को एडमिट कर सकता है। तो जैसे अपन ने क्या देखा था, जैसे अपन ने देखा था कि भाई सीआईटी बिल्स भी एडिशनल एविडेंस को एडमिट कर सकता है, इसी तरह से आईटेट भी क्या कर सकता है, एडिशनल एविडेंस को एडमिट कर सकता है। अच्छा आप सुनो, आईटेट क्या करेगा, अगेन वही चीज, आईटेट क्या करेगा, या तो अपने सीआईटी अपील्स के ऑर्डर को कंफर्म कर देगा कि भाई कहा है वो सही है, या फिर उसके ऑर्डर को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, या फिर सेट असाइड कर देगा असेसमेंट। अच्छा सेट असाइड का मतलब क्या है समझना, सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा, अपील हमने फाइल कर दी आईटेट को, तो आईटेट क्या कर सकता है, इस सीआईटी अपील्स के ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा। सेट असाइड का मतलब है हटाओ रे यार ये क्या कचरा है। ठीक है, तो सेट असाइड का मतलब क्या है, हटाओ रे यार ये कचरा है, सेट असाइड करो, सेट असाइड। तो बेसिकली आईटेट क्या करेगा, बोलेगा कि भाई सेट असाइड करो ये तो फालतू है, और एओ को बोलेगा कि भाई तू वापस ढंग से इंक्वायरी करके ले जा। कहानी समझ आई। अच्छा ये सेट असाइड वाली चीज है ना सीआईटी अपील्स नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो सीआईटी अपील्स, एओ ने ऑर्डर पास करा, सीआईटी अपील्स बेसिकली क्या करेगा, सीआईटी अपील्स या तो कंफर्म करेगा, या फिर एनहांस करेगा, रिड्यूस करेगा, या फिर निल कर देगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। तो सीआईटी अपील्स को ऑर्डर तो पास करना ही है, बिकॉज अगर सीआईटी अपील्स भी करता रहेगा, सेट असाइड करता रहेगा, तो कभी केस सॉल्व होंगे ही नहीं। सीआईटी अपील्स सेट असाइड कर देगा, एओ को बोलेगा वापस इंक्वायरी करके, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो लॉ ये कहता है कि जो सीआईटी अपील्स है, सीआईटी अपील्स को ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, या तो तू इनास कर या रिड्यूस कर या फिर नील कर दे। ठीक है, और या फिर बेसिकली अपने क्या देखा था, इनास कर दे, नील कर दे, रिड्यूस कर दे, और एक और पॉइंट था ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा, कंफर्म कर दे, राइट। लेकिन आईटेट क्या कर सकता है, आईटेट बोल सकता है हटाओ रे यार क्या कचरा ऑर्डर पास कर दिया तुम लोगों ने। तो आईटेट जो है ये वो क्या बोलेगा कि भाई तू वापस ऑर्डर पास करके ले क्या। तो देखो आईटेट क्या कर सकता है, कंफर्म कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है। देखो इसमें इनास नहीं है, मतलब इनास नहीं कर सकता, आईटेट के पास क्या पावर है, या तो कंफर्म करेगा या फिर रिड्यूस करेगा, कंफर्म करा या रिड्यूस करा, इनास नहीं कर सकता, और या फिर सेट असाइड कर सकता है, हटा और यार क्या कचरा लेके आ गए तुम मेरे पास, और ईओ को बोलेगा तू वापस इंक्वायरी करके लेके आ। अच्छा आईटेट को ऑर्डर कब तक पास करना है, देखो 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द अपील वाज फाइल्ड। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा आईटेट ने ऑर्डर पास कर दिया, आईटेट ने अपना ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा आईटेट को लगता है कि भाई मेरे ऑर्डर में क्या है, कोई ऐसी मिस्टेक है जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। ठीक है, मिस्टेक है क्या, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। देखो क्या देखा है, मिस्टेक इन इट्स ऑर्डर विच इज अपरेंट ऑन रिकॉर्ड, मतलब कोई ऐसी मिस्टेक जो दिखते से ही पकड़ में आ रही है। तो आईटेट क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, रिवाइज बोले तो रेक्टिफाई कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। तो क्या दे रखा है, आईटेट अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वाज पास्ड। इतनी कहानी समझ आ गई। तो आईटेट ने कोई ऑर्डर पास करा, उसको लगता है कि भाई मेरी ऑर्डर में कुछ अपरेंट मिस्टेक है जो दिखते से ही पकड़ में आ रही है, तो क्या कर सकता है विद इन 6 मंथ
विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ट, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ट, वो क्या करेगा अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर देगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, ये तो क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है खुद के मोशन पे, मतलब आईटेट को जो है गलती खुद पकड़ में आ गई, आईटेट को जो है गलती खुद पकड़ में आ गई। हो सकता है कि भाई गलती आईटेट को पकड़ में ना आए, गलती किसको पकड़ में आ गई हो, एसएससी को या फिर असेसिंग ऑफिसर को, तो क्या करेंगे एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो बेसिकली गलती किसको पकड़ आ गई है, गलती किसको पकड़ में आ गई है, एसएससी को पकड़ में आ गई या फिर एओ को पकड़ में आ गई है, तो आईटेट को एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि हे प्रभु आपने जो ऑर्डर पास करा है उसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो देखो वो एप्लीकेशन देंगे विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ट। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब एप्लीकेशन किसको मिल गई, आईटेट को मिल गई, तो आईटेट क्या करेगा अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करेगा, और कितने टाइम में करेगा, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वॉज रिसीव। इतनी कहानी समझ में आ गई। और एप्लीकेशन जो आप फाइल करोगे रेक्टिफिकेशन की, उसकी फीस है कितनी, 50 रुपए। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो पावर्स देख रहे थे अपन, मैंने आपको बताया कि भाई ये इनहांस करने का पावर आईटेट के पास नहीं है और सीआईटी के पास होता है। सेट असाइड करने का पावर सीआईटी के पास नहीं है, सीआईटी अपील्स के पास नहीं है, आईटेट के पास है। और मैं आपको बताया ना सेट असाइड का मतलब क्या, हटा हो रहा यार ये कचरा ऑर्डर लेके आ गए हो, वो एओ को बोलेगा तू वापस ऑर्डर पास कर। अच्छा देखो क्या दे रखा है, पावर टू रिकॉल ओन ऑर्डर टू रीहर एंटायर ऑर्डर ऑन माइट्स। एक बार आपने ऑर्डर पास कर दिया, तो आप वापस जो है उस ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपको जो है ऑर्डर एक ही बार ढंग से पास करना है। ठीक है, तो पावर टू रिकॉल ओन ऑर्डर टू रीहर एंटायर ऑडिट माइट्स एंटायर ऑडिट ऑन ऑर्डर ऑन मेरिट्स ना ना ना। देखो पावर टू रिव्यू ऑन ऑर्डर ना 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 ना, मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं सीआईटी पुलिस को और आईटेट को कि भाई आप एक ही बार अपना ऑर्डर ढंग से पास करो, हम आपको जो है रिकॉल करने नहीं देंगे, हम आपको रिव्यू करने अपना ऑर्डर नहीं देंगे। तो आपको जो है एक ही बार क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना पड़ता है। लेकिन आईटेट को हमने कहा कि भाई अगर क्या है कोई मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड है, कोई मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड है, तो अपने अपने ऑर्डर को आप जो है रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज समझना, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है कि आईटेट है, ठीक है, ये आईटेट है, ये एओ है, और ये क्या है एसएससी है। क्या नहीं समझ में आ गई, अच्छा सुनो, एओ ने क्या करा, ऑर्डर पास करा, आपने अपील फाइल करी किसको, सीआईटी अपील्स को, सीआईटी ने जो है ऑर्डर पास कर दिया, सीआईटी ने क्या करा ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा आप सीआईटी अपील्स के अगेंस्ट में कहाँ पर जा रहे हो, आप सीआईटी अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है आईटेट के पास जा रहे हो और आईटेट को बोल रहे हो कि भाई हम जो है अपील फाइल कर रहे हैं। तो जैसे ही एसएससी क्या करेगा, अपील फाइल करेगा, जैसे ही एसएससी अपील फाइल करेगा किसको, आईटेट को, तो आईटेट क्या करेगा, आईटेट जो है सीआईटी अपील्स को बताएगा, आईटेट जो है एओ को बताएगा कि भाई आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हुई है, आपको कुछ ऑब्जेक्शन करना है तो कर दो। तो क्या क्या मतलब है कि अगर एसएससी बेसिकली क्या कर रहा है, अगर एसएससी बेसिकली अपील फाइल कर रहा है आईटेट को, तो आईटेट क्या करेगा, आईटेट जो है एक नोटिस भेजेगा, किसको नोटिस भेजेगा, एओ को और सीआईटी अपील्स को, कि भाई आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में, आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी ने क्या करा है, अपील फाइल करी है, आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है तो कर लो। इसी तरह से सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा एसएससी के फेवर में, ठीक है, सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा एसएससी के फेवर में, एओ ने क्या करा, एओ ने बेसिकली जो है आईटेट को अपील फाइल कर दी। मैंने आपको बताया कि भाई सीआईटी ने क्या करा, बेसिकली सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा एसएससी के फेवर में, डिपार्टमेंट को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने क्या करा, ऑर्डर पास कर दिया आईटेट को। अब आईटेट क्या करेगा, आईटेट एसएससी को एक नोटिस देगा कि भाई देख तेरे सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा था उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने क्या करा है, अपील फाइल करिए, तुझे कुछ ऑब्जेक्शन करना है तो कर ले। तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब है कि रिस्पोंडेंट्स कोई भी हो सकता है, एसएससी हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है। तो देखो क्या रखा है, रिस्पोंडेंट्स कैन फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ अपील। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो आईटेट क्या कर रहा है, आईटेट नोटिस दे रहा है ना किसको, एसएससी को, कि भाई देख तेरे अगेंस्ट में क्या हुई है, अपील फाइल हुई है। तो एसएससी को क्या करना पड़ेगा, अपना रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, और उसको कब तक करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ अपील। अच्छा देर कैन बी नो फाइलिंग फीस फॉर द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया, अभी तक अपन ने ये देख लिया कि भाई अपील सीआईटी अपील किस तरह से डिस्पोज होती है। उसके बाद अपन पहुंच गए थे आईटेट पे, अब अपन पहुंचेंगे 260-264 पे। उससे पहले अपन हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं। अब देखो आईटेट ने ऑर्डर पास करा, आपको फिर भी बात समझ नहीं आई, आपके चले गए हाईकोर्ट पे, आपने अपील फाइल कर दी कि भाई इसका ऑर्डर को सही नहीं लगा, अपील फाइल करता हूँ हाईकोर्ट को। आप हाईकोर्ट के करो कि प्लीज इसको रिव्यू करके दो, मुझे बात समझ में नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई आईटेट ने जो मेरे अगेंस्ट में क्या करा, ऑर्डर पास कर दिया। तो मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि भाई हाईकोर्ट के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, उन्हीं ऑर्डर को पास कर सकते हो विच इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तो देखो ये रखा, हाईकोर्ट पे जो है आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेके नहीं जा सकते, हाईकोर्ट का समय बहुत कीमती है। अब देखो अपील अगेंस्ट आईटेट का ऑर्डर कैन बी फाइल्ड, नेटफ्लिक्स हो गया ओके देखो क्या देखा, अपील अगेंस्ट आईटेट का ऑर्डर कैन बी फाइल टू हाईकोर्ट। अपील जो है आईटेट के ऑर्डर पे कहाँ फाइल कर सकते हो आप, हाईकोर्ट को फाइल कर सकते हो।
और क्या है, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो ही। आगे बढ़ते हैं, कब तक फाइल करनी है आपको अपील? देखो विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, तो हाईटेट का ऑर्डर आ गया उसके विद इन 120 डेज में आपको जो है अपील फाइल करनी पड़ेगी हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट 120 डेज से ज्यादा दे सकता है अगर सफिशियंट रीजन था फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन द टाइम पीरियड। हाँ, इतनी कहानी आपको समझ में आई। अच्छा, एक और चीज देखना, हाईकोर्ट के पास क्या क्या पावर है। हाईकोर्ट हैव द पावर टू रिव्यू इट्स ऑर्डर इफ द ग्राउंड फॉर रिव्यू आर डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट एड्रेस। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो क्या था, सीआईटी बिल्स थी, जो सीआईटी बिल्स थी और आईटेट थी, वो अपने ऑर्डर को रिव्यू और रिकॉल नहीं कर सकती, लेकिन हाईकोर्ट कर सकता है। हाईकोर्ट क्या कर सकता है, कर सकता है। देखो क्या रखा, हाईकोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑर्डर, वो क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है अगर रीजन क्या क्या है, कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, ठीक है, या फिर अगर सफिशियंट रीजन है, या फिर उसको कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। तो हाईकोर्ट को हमने ये कह रखा है कि भाई अगर आपने कोई ऑर्डर गलती से गलत पास कर दिया है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन ये पावर किसके लिए नहीं है, सीआईटी बिल्स और आईटेट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि भाई रिव्यू की पावर सीआईटी बिल्स और आईटेट के पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि हमने उसको कहा कि भाई आप जो है एक ही बार में ढंग से ऑर्डर पास करो, एक ही बार में ढंग से ऑर्डर पास करो, अदरवाइज आप जो है गलत सलत हमेशा ऑर्डर पास करते रहोगे, तो आप अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। किसको कहा हमने, सीआईटी बिल्स या फिर आईटेट को कहा, लेकिन हम हाईकोर्ट को कह रहे हैं, हम हाईकोर्ट को कहते हैं कि भाई आप जो है अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई कुछ कुछ उसमें क्या है, कुछ गड़बड़ी है। अब एक और चीज समझना, आईटेट आईटेट के पास एक अपील आई, आईटेट के पास अपील आई जिसमें क्या था, एएलपी डिटरमिन करनी थी। अब मुझे बताओ आर्म लेंथ प्राइस को डिटरमिन करना क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? ऑफ कोर्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। तो एएलपी को मैं खुद चला के क्या कर रहा हूँ, डिटरमिन कर रहा हूँ। आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में समझाऊंगा ना, आर्म लेंथ प्राइस अपन डिटरमिन करते हैं। जो डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस है, ठीक है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस है, आईटेट ने क्या करा, उसके बेसिस पे एक ऑर्डर पास कर दिया। अब सवाल आता है कि भाई क्या डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस पे मैं जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ, किसको, हाईकोर्ट को, क्योंकि मुझे पता है हाईकोर्ट को सिर्फ और सिर्फ मैं उसी टॉपिक्स पे एप्लीकेशन या अपील फाइल कर सकता हूँ विच इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी वाला फैक्ट है, ये तो क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। लेकिन हम देखो क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी इज कंसिडर्ड ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ऑल्दो एएलपी का डिटर्मिनेशन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, एएलपी का डिटर्मिनेशन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लेकिन आप इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो हाईकोर्ट कैन एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी, ठीक है। तो हाईकोर्ट ये चेक कर सकता है कि भाई आईटेट ने जो एएलपी डिटर्मिन करी है वो सही तरह से करी है कि नहीं करी है। तो मैंने आपको बताया कि भाई आईटेट ने ऑर्डर पास करा, उसमें उसने एएलपी डिटर्मिन करी। अब क्या इसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर सकता हूँ, इसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता हूँ हाईकोर्ट को? तो मुझे एक चीज पता है कि भाई हाईकोर्ट पे मैं अपील फाइल कर सकता हूँ उन्ही ऑर्डर पे विच इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ। अच्छा, जो आईटेट ने एएलपी डिटरमिन करी है वो तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लेकिन हाईकोर्ट कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें अपील फाइल कर सकते हो, हम इसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही मानेंगे, और हम ये देखेंगे कि भाई जो आईटेट ने एएलपी डिटरमिन करी है वो सही तरीके से करी है कि नहीं करी है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज देखना, हाईकोर्ट में डिटरमिन एनी इशू विच हैज नॉट बीन डिटरमिन बाय द आईटेट या विच हैज बीन रॉन्गली डिटरमिन बाय द आईटेट। तो अपन क्या देख रहे हैं, आईटेट के पास अपील गई थी किसके लिए, ए बी सी डी मैटर्स के लिए, ठीक है। बेसिकली एसएससी ने अपील फाइल करी थी आईटेट को किस किस मैटर्स पे, ए बी सी डी। अच्छा, आईटेट ने क्या करा, आईटेट ने ए और बी पे डिसीजन दे दिया, सी और डी पे डिसीजन नहीं दिया। तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है, बेसिकली हाईकोर्ट जो है सी और डी को चेक कर सकता है। तो हाईकोर्ट मे डिटरमिन एनी इशू विच हैज नॉट बीन डिटरमिन बाय द आईटेट, तो आईटेट ने डिटरमिन नहीं करा, या फिर रॉन्गली डिटरमिन कर लिया, हैज बीन रॉन्गली डिटरमिन बाय द आईटेट, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। क्या हाईकोर्ट कोई एफ मैटर पे डिसीजन दे सकता है, नहीं दे सकता। हाईकोर्ट को बेसिकली उन्हीं मैटर्स पे डिसीजन देना है जो अराइज हो रहे हैं आउट ऑफ आईटेट का ऑर्डर। तो मुझे एक चीज बताओ, आईटेट के अपील फाइल करी गई थी ए बी सी डी की, आईटेट ने क्या करा, ए और बी पे जो है क्या करा, अपना ऑर्डर दे दिया, सी और डी पे नहीं दिया। तो बेसिकली हाईकोर्ट क्या कर सकता है, हाईकोर्ट जो है क्या कर सकता है, डिटर्मिन कर सकता है एनी इशू विच हैज नॉट बीन डिटर्मिन बाय द आईटेट या फिर विच हैज बीन रॉन्गली डिटर्मिन बाय द आईटेट। आपको एक कहानी समझाता हूँ, कहानी समझना। अपने अभी क्या देखा था, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कहाँ गया, देखो ये रहा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सीआईटी बिल्स है, वो जो सीआईटी बिल्स है वो क्या कर सकता है, कंसीडर कर सकता है, डिसाइड कर सकता है एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द ऑर्डर अपील अगेंस्ट वाज पास इवन इफ सच मैटर्स वर नॉट रेज बिफोर सीआईटी बिल्स या फिर सीआईटी बिल्स बाय द एप्लिएंट। अब एक एग्जांपल समझाता हूँ इसको मैं आपको।
एग्जाम्पल इसे समझाना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो एओ ने क्या करा, ऑर्डर पास करा ए बी सी डी ई मैटर्स पे। एओ ने जो है ऑर्डर पास करा ए बी सी डी ई मैटर्स पे, क्या नहीं समझाई, पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा सा। एओ ने ऑर्डर पास करा ए बी सी डी ई मैटर्स पे सीआईटी अपील्स के पास। सीआईटी अपील्स के पास कौन कौन से मैटर गए, अपील में मैटर गए ए बी सी। अपन ने क्या पढ़ रखा है कि सीआईटी अपील्स क्या कर सकता है, सीआईटी अपील्स डी और ई को भी चेक कर सकता है। यदि का नहीं समझ में आई। अच्छा अब बात करते हैं अपन आईटेट की, ठीक है। तो हमने एक चीज़ बताई आपको कि भाई एओ ने ऑर्डर पास करा ए बी सी डी ई मैटर्स पे, एसएससी ने अपील फाइल करी ए बी सी की, किसको, सीआईटी अपील्स को। सीआईटी अपील्स चाहे, सीआईटी अपील्स चाहे तो क्या कर सकता है, डी और ई को भी पकड़ सकता है, डी और ई को भी पकड़ सकता है। ये अपने कहाँ पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, देखो ये वाला, ये रहा। तो सीआईटी अपील्स कंसिडर कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कोई मैटर्स को जो ऑर्डर से अराइज हो रही है, लेकिन भले ही उस पर अपील एप्लेंट ने फाइल नहीं करी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आईटेट चाहे, आईटेट क्या कर सकता है बेसिकली, तो सीआईटी अपील्स ने बेसिकली क्या करा, एबीसी पे ऑर्डर पास कर दिया, एबीसी डी फॉर एग्जांपल, एबीसी डी सब पे ऑर्डर पास कर दिया। आईटेट चाहे तो क्या कर सकता है, ए एबीसी डी ई इन पे तो ऑर्डर पास कर ही सकता है, लेकिन अगर आईटेट चाहे तो किसी एफ जी एच आई मैटर्स पे भी जो है ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि भाई एक एसएससी ने आरओई फाइल करी, एसएससी ने आरओई फाइल करी, और एसएससी ने जब आरओई फाइल करी तो उसके अंदर कौन कौन से मैटर्स इंक्लूडेड थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए उन्हें क्या पकड़ा था, ए उन्हें पकड़ा था ए बी सी डी ई को। अपन ने एसएससी ने फिर अपील फाइल करी किसके मैटर पे, ए बी सी पे फाइल करी। तो आईटेट क्या कर सकता है, आईटेट जो है ए बी सी पे डिसीजन अपना दे सकता है, लेकिन अगर सीआईटी भी चाहे तो डी और ई को भी पकड़ सकता है जो एओ के ऑर्डर में थे, जो एओ के ऑर्डर में थे, ठीक है बेसिकली, और जो एओ के पास अपील फाइल करी गई थी। मैं आपको क्या बताया कि भाई एओ ने जो है ऑर्डर पास करा ए बी सी डी ई, एससी ने अपील फाइल करी किसके लिए, ए बी सी के लिए। तो सीआईटी अपील्स ए बी सी पे तो अपना ऑर्डर देगा ही, लेकिन अगर सीआईटी अपील्स चाहे, सीआईटी अपील्स चाहे तो क्या कर सकता है, डी और ई पे भी अपना ऑर्डर दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि वो एओ के ऑर्डर से अराइज हो रहे थे। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, सीआईटी अपील्स ने क्या करा, ए बी सी पे अपना क्या करा, ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। सीआईटी अपील्स ने जो अपना ए बी सी पे अपना ऑर्डर पास कर दिया, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। अभी एसएससी ने क्या करा, ए बी सी के अगेंस्ट क्या करी, अपील फाइल कर दी। एसएससी ने जो बेसिकली ए बी सी के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। अब आईटेट चाहे, आईटेट चाहे तो क्या कर सकता है, आईटेट चाहे तो डी ई को भी पकड़ सकता है या फिर एफ जी एच आई को भी पकड़ सकता है जो भले ही इन ऑर्डर्स में नहीं थे। तो मतलब मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपना आईटेट है, जो अपना आईटेट है वो किसी भी मैटर पे जो है अपना डिसीजन दे सकता है भले ही वो सीआईटी के ऑर्डर में नहीं थे। अच्छा दूसरे एग्जांपल में लेते हैं अपन कि भाई अगर एसएससी ने अपील फाइल करी ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो आईटेट क्या करेगा, ए बी सी डी ई पे तो अपना ऑर्डर देगा ही, लेकिन अगर वो चाहे तो एफ जी एच आई को कंसिडर करके भी क्या कर सकता है, एफ जी एच आई को भी कंसिडर करके बेसिकली अपना जो है डिसीजन दे सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, वो क्या करेगा, जो हाई कोर्ट है, अभी तो मैं आगे लिख देता हूँ, हाई कोर्ट की बात लिख देता हूँ, जो हाई कोर्ट है वो उन्हीं मैटर्स को डिसाइड कर सकता है जो आईटेट ने या तो डिसाइड नहीं करे थे या फिर रॉन्गली डिसाइड करे थे, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, या तो डिसाइड ही नहीं करे थे या फिर रॉन्गली डिसाइड करे थे। तो फॉर एग्जाम्पल अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आईटेट के पास अपील आई किसके लिए, ए बी सी डी के लिए। आईटेट ने जो है क्या करा, ए बी सी पे ऑर्डर पास कर दिया, डी पे पास करना भूल गया। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, डी पे ऑर्डर पास कर सकता है। अच्छा आईटेट ने क्या करा, इसके लिए ए बी सी डी पे ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन ए और बी का गलत ऑर्डर पास करा, तो आईटेट क्या कर सकता है, ए और बी को पकड़ के ऑर्डर पास कर सकता है। क्या हाई कोर्ट किसी ई एफ या जी मैच जी एच कोई अलग मैटर पे जो इस ऑर्डर में नहीं है उस पर अपना डिसीजन दे सकता है, नहीं। तो अपने क्या देखा कि भाई हाई कोर्ट मे डिटर्मिन एनी इशू विच हैज नॉट बिन डिटर्मिन बाय द आईटेट, जो आईटेट ने डिटर्मिन नहीं करा है या फिर रॉन्गली डिटर्मिन बाय द आईटेट। इतनी कहानी समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपसे केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अपन आगे बढ़ते हैं, तो हाई कोर्ट हो गया। अब मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया मैं। अरे वो क्या दे रखा है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास सेम पावर है कि वो अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। अब एक और चीज समझना, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है शैल बी बाइंडिंग, क्या होगा,
बाइंडिंग है, मतलब सबको मानना पड़ेगा, सारे लोअर कोर्ट्स को, सारे ट्रिब्यूनल्स को, सारी अथॉरिटीज को। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो क्या होगा, एकदम फाइनल होगा, सबको मानना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज समझना, सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच है, एक बेंच और दो बेंच, ठीक है, एक बेंच और दो बेंच, दोनों ने क्या करा, अलग अलग डिसीजन दिया, ठीक है, दोनों ने जो है अलग अलग डिसीजन दिया। तो किसका डिसीजन माना जाएगा, उसका डिसीजन माना जाएगा जिसने लेटर काम कराया। तो देखो क्या रखा है, अगर देर आर टू इरिकंसीलेबल डिसीजन ऑफ टू बेंचेस ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ डिसीजन लेटर इन टाइम शैल प्रिवेल। मैंने आपको बताया दो बेंच थी, इसने भी सेम ऑर्डर पास, इसने एक ऑर्डर पास करा, इसने अलग ऑर्डर पास कर दिया, तो एक इशू था, इसने इसके फेवर में ऑर्डर पास करा, दूसरी बेंच ने उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करा। अब सवाल आता है कि भाई किसके ऑर्डर को मानना माना जाए, तो सरकार ये कहती है, अपना लॉ ये कहता है जो लेटेस्ट ऑर्डर पास हुआ था ना उसको अपन कंसिडर करके डिसाइड करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, अगर देर आर टू इरिकंसीलेबल, जो रिकनसाइल नहीं हो रहे, मतलब अलग अलग ऑर्डर हैं, और द टू बेंचेस ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस केस में क्या होगा, अ डिसीजन लेटर इन द टाइम शैल प्रिवेल। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी, तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि भाई अपन ने अपील फाइल करी किसको, सीआईटी अपील्स को, फिर अपन गए किसके पास, आईटीआई के पास, फिर गए हाई कोर्ट के पास, और फिर गए सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा चालू कहाँ से हुई थी कहानी, चालू हुआ था सिलसिला एओ से। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, एओ ने कोई ऑर्डर पास करा, एओ ने कोई ऑर्डर पास करा 143 सब सेक्शन 3 में फॉर एग्जाम्पल, और एसएससी को जो है रिफंड दे दिया, कितने का, 1 लाख रुपए का रिफंड दे दिया। यदि वाली समझ में आ गई, तो एओ ने ऑर्डर पास करा, एसएससी ने रिफंड दे दिया। अच्छा कमिश्नर चाहे तो क्या कर सकता है, कमिश्नर चाहे तो रिवीजन कर सकता है अंडर 263 में। किस चीज का रिवीजन, एओ के ऑर्डर का रिवीजन। तो एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, कमिश्नर को लगा कि भाई जो एओ ने 1 लाख का रिफंड दिया है ना, इसको ये गड़बड़ करके दिया है, मतलब इसने कुछ ना छानबीन अच्छे से करी नहीं होगी। तो कमिश्नर चाहे तो क्या कर सकता है, सेक्शन 263 के अंडर जो ये एओ का ऑर्डर है इसको रिवाइज कर सकता है। अब देखो, रिवीजन ऑफ ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, बेसिकली ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है जो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं है, जो ऑर्डर डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं है उसको क्या कर सकता है, बेसिकली कमिश्नर रिवाइज कर सकता है अंडर 263। अब देखो कब रिवाइज कर सकता है, केसेस जहां पर ऑर्डर इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर कमिश्नर को लगता है, तो सीआईटी का मतलब है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पीसीआईटी का मतलब है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीसीआईटी का मतलब है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और पीसीसीआईटी का मतलब है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, और इन सबको लगता है कि जो एओ ने ऑर्डर पास करा है बिना इंक्वायरी करे कर दिया है, या फिर एओ ने क्या करा है, बेसिकली सीबीडीटी की डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन को कंप्लाई नहीं करा है। सीबीडीटी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या फिर ऑर्डर वॉज नॉट मेड एज पर द डिसीजन गिवन बाय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्री जुडिशियल टू द एसएससी, मतलब बेसिकली कमिश्नर को लगता है कि जो एओ ने ऑर्डर पास करा है वो किसी ना किसी तरह से गलत है, किसी ना किसी तरह से प्री जुडिशियल है टू द डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा ऑर्डर इज पास्ड अलाउिंग एनी रिलीफ विदाउट इंक्वायरिंग इन टू द क्लेम, मतलब कोई रिलीफ अलाउ कर दी गई है बिना इंक्वायरी करे उस क्लेम के बारे में। अच्छा तो बेसिकली कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर मे कॉल एंड एग्जामिन ऑल द रिकॉर्ड्स विच आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय द कमिश्नर। कमिश्नर एओ को बोलेगा कि तू तो सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लिया, सारा जो तेरे पास ताम झाम है रिकॉर्ड्स सब मेरे पास लिया, मैं उसको क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा। अब देखो क्या रखा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन टू द एसएससी बिफोर पासिंग ऑर्डर। तो बेसिकली 263 में जब ऑर्डर पास होगा, जब 263 में कमिश्नर एसेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज करेगा, तो अगर एसएससी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हो रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी किसको, एसएससी को, बिफोर पासिंग ऑर्डर, ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसको, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बेसिकली एसएससी को। अब आगे बढ़ते हैं, अभी वो कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर बेसिकली इनहांस कर सकता है, इनहांस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है असेसमेंट एंड डायरेक्ट फॉर फ्रेश असेसमेंट, मतलब वही सेट असाइड एंड फ्रेश असेसमेंट। मतलब कमिश्नर बोलेगा एओ को, देख तूने गड़बड़ी चीजें करी है, तू इसको क्या, मैं तेरे असेसमेंट को कैंसिल कर रहा हूँ, तू वापस अच्छे से असेसमेंट करके लेके आ। तो कमिश्नर क्या बोल सकता है कि भाई मैं तेरे असेसमेंट को कैंसिल कर रहा हूँ, तू वापस ढंग से असेसमेंट को करके लेके आ। कमिश्नर क्या कर सकता है, बेसिकली इनहांस कर सकता है या फिर उसके ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा कमिश्नर रिविजन कब तक कर सकता है, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ट। तो एओ ने जब ऑर्डर पास कर दिया उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आ जाना, उसके विद इन 2 ईयर्स में जो है कमिश्नर क्या कर सकता है, उसके ऑर्डर का रिविजन कर सकता है। इसी तरह से अपन देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग, जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर होता है वो जब ऑर्डर पास कर सकता है, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, बेसिकली उसके ऑर्डर को भी रिवाइज कर सकता है। यदि कहानी आपको समझ में आई, तो मैंने आपको बताया 263 में बेसिकली होता क्या है, 263 में ऐसा होता है कि भाई कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जो प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, का मतलब क्या है कि भाई डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है, एसएससी के फेवर में है। तो कमिश्नर बेसिकली क्या कर सकता है, उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। अपन ने टाइम लिमिट्स देख ली। अब एक और चीज समझना, ये मैंने आपको बताया ये जो प्रोविजो टू सेक्शन 129 है, ये जो अपन कब करेंगे,
पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन का चैप्टर करेंगे, उधर भी मैंने एग्जैक्ट ये सेम चीज छुपा रखी है, तो उधर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आगे देखना क्या दे रखा है, टाइम लिमिट ऑफ 2 ईयर्स, जो अपने ऊपर देखी थी ना कि भाई कम रिविजन कब तक हो सकता है, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ट। लेकिन टाइम लिमिट 2 ईयर्स से कब नहीं लगेगी, डज नॉट अप्लाई वेयर द इफेक्ट हैज टू बी गिवन टू अ फाइंडिंग और डायरेक्शन कंटेन इन द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, हाईटेट और सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब बेसिकली ये है कि भाई एओ ने ऑर्डर पास करा, एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, एओ ने ऑर्डर पास कर दिया और रिफंड दे दिया किसको, रिफंड दे दिया एसएससी को। 10 साल निकल चुके हैं, 10 साल निकल चुके हैं, 10 साल बाद, 10 साल बाद हाईटेट का, हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हाईटेट का या सुप्रीम कोर्ट का किसी पर्टिकुलर इशू पे कोई डिसीजन आया और उसने कहा कि भाई इसको रिफंड नहीं मिलना चाहिए, टैक्सेबल होगा ये अमाउंट। तो मैंने आपको क्या बताया, एओ ने ऑर्डर पास करा, रिफंड दे दिया एसएससी को, 10 साल बाद हाई कोर्ट, हाईटेट या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा ही केस आया होगा सिमिलर, और उस केस में जो है हाईटेट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई ये वाला जो इशू था ना ये टैक्सेबल होगा। अब बेसिकली क्या कर सकता है कमिश्नर, अब बेसिकली 263 के अंदर कमिश्नर इस ऑर्डर का रिविजन कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई 263 के अंदर कमिश्नर बेसिकली क्या कर सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाईटेट के ऑर्डर के बेसिस पे इस ये जो ऑर्डर था ना इसको रिवाइज कर सकता है, और 2 ईयर्स की टाइम लिमिट लगेगी नहीं, तो 10 साल बाद भी क्या हो सकता है बेसिकली रिविजन हो सकता है। अब देख लो, आप पढ़ो समझ में आ जाएगा आपको कि भाई टाइम लिमिट ऑफ 2 ईयर्स डज नॉट अप्लाई वेयर द इफेक्ट, मतलब रिविजन करना हैज टू बी गिवन टू अ फाइंडिंग और डायरेक्शन, किसके बेसिस पे फाइंडिंग या डायरेक्शन, जो किसने दिया है, हाईटेट ने दिया है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब एक और चीज समझते हैं अपन, देखो एओ ने ऑर्डर पास करा, एओ ने ऑर्डर पास करा ए बी सी डी मैटर पे, इतनी कहानी समझ में आ गई, एओ ने ऑर्डर पास करा ए बी सी डी मैटर पे। अच्छा, एसएससी ने अपील फाइल कर दी किसको, एसएससी ने अपील फाइल कर दी सीआईटी अपील्स को, एसएससी ने अपील फाइल कर दी सीआईटी अपील्स को अगेंस्ट ए और बी, ए और बी पे इधर मैं लिख लेता हूँ, ए और बी पे अपील फाइल कर दी। सीआईटी अपील्स ने क्या करा, सीआईटी अपील्स ने जो है ए और बी पे अपना ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, सेक्शन 263 के अंदर क्या होता है, कमिश्नर एओ के ऑर्डर को, एओ के ऑर्डर को क्या करता है, रिवाइज कर सकता है, किसके ऑर्डर को रिवाइज करता है, एओ के ऑर्डर को। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पर्टिकुलर केस में एओ ने ऑर्डर पास करा था ए बी सी डी मैटर पे, अच्छा अपील किसको चली गई थी, सीआईटी अपील को चली गई थी, और उसने क्या करा ए और बी के मैटर पे ऑर्डर पास कर दिया, ए और बी के मैटर पे ऑर्डर पास कर दिया। अब सवाल आता है कि भाई 263 के अंदर क्या कमिश्नर एओ के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, ठीक है, तो अपना लॉ कहता है, अपना लॉ ये कहता है कि जब जब सीआईटी अपील्स ने क्या करा, एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर पास करा, और किस मैटर पे करा, ए और बी के मैटर पे करा, तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो ए और बी का मैटर है ना ये किसके साथ मर्ज हो चुका है, एओ का जो ऑर्डर था, एओ का जो ऑर्डर था विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी मैटर, ये मर्ज हो चुका है सीआईटी अपील्स के साथ। मतलब ये है कि ए और बी मैटर पे, ए और बी मैटर पे किसने डिसीजन दे दिया, किसने डिसीजन दे दिया, सीआईटी अपील्स ने डिसीजन दे दिया ना, सीआईटी अपील्स ने डिसीजन दे दिया, इसका मतलब ये मानेंगे कि एओ का ऑर्डर मर्ज हो चुका है किससे, सीआईटी अपील्स के ऑर्डर से मर्ज हो चुका है। तो 263 के अंदर, 263 के अंदर एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट रिविजन हो सकता है। अब पर्टिकुलरली अगर कोई मैटर पे अपील फाइल हो चुकी है और डिसीजन आ चुका है तो 263 के अंदर कमिश्नर रिवाइज रिविजन कर सकता है उन्हीं मैटर्स का जिस पर अपील नहीं गई थी। तो अब 263 के अंदर रिविजन किसका हो सकता है, सिर्फ सी और डी का हो सकता है। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, लॉजिकली अगर आप ये देखोगे कि भाई एओ ने ऑर्डर पास करा ए बी सी डी मैटर्स पे, सीआईटी अपील्स ने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी मैटर्स को कन्फर्म कर दिया कि भाई जो एओ ने ऑर्डर पास करा है वो सबको सही है, तो लॉजिकली ये हुआ ना कि भाई एओ का जो ऑर्डर था वो मर्ज हो गया किससे, सीआईटी अपील से मर्ज हो गया, क्योंकि एक सुप्रीम अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, तो हम ये मानेंगे कि जो एओ का ऑर्डर था वो मर्ज हो चुका है किससे, सीआईटी अपील से मर्ज हो चुका है। लेकिन पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, हमारे पर्टिकुलर केस में ये हो रहा है कि भाई एओ ने ऑर्डर पास करा ए बी सी डी मैटर्स पे, अपील फाइल करी गई थी सिर्फ और सिर्फ ए और बी मैटर्स पे, और जो है सीआईटी अपील से डिसीजन दे दिया किस पे, ए और बी पे दे दिया, तो हम ये मानेंगे, हम बेसिकली ये मानेंगे कि क्या हुआ है, पार्शियल मर्जर हो चुका है। तो जो एओ का ऑर्डर था उसका जो है पार्शियल क्या हो चुका है, मर्जर हो चुका है। तो एओ ने ऑर्डर पास करा था ए बी सी डी पे, उसमें से ए और बी मतलब पार्शियली ऑर्डर मर्ज हो चुका है किससे, सीआईटी अपील से, बैलेंस क्या बचा, सी ओ डी बचा। तो कमिश्नर रिविजन कर सकता है 263 के अंदर सिर्फ और सिर्फ सी ओ डी मैटर्स का। अच्छा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है पार्शियल मर्जर, इसको अपन क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। अब देखो क्या दे रखा है, अगर एओ ने ऑर्डर पास करा, ठीक है, एओ ने कोई ऑर्डर पास करा और वो अपील में जाके क्या हो चुका है, अपील में जा चुका है, तो उन मैटर्स पे जिस पे सीआईटी पुलिस ने क्या करा है, अपना डिसीजन फाइनल कर दिया है, उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, बोले तो ए और बी को आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो मैटर्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अपील, मैटर्स
मैटर्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अपील, जिसके अगेंस्ट में अपील जा चुकी है या फिर जिस मैटर्स पे सीआईटी अपील्स ने क्या करा है, बेसिकली अपना डिसीजन दे दिया है, तो उसको आप रिविजन नहीं कर सकते। लॉजिक समझाऊं आपको, लॉजिक सिंपल सा ये है कि भाई देखो ये एओ है, ये सीआईटी अपील्स है, और रिवीजन कौन कर रहा है, रिवीजन भी कमिश्नर कर रहा है, और ये कौन है, ये भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स है, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई मैटर पे, ए और बी मैटर पे सीआईटी के पास अपील जा चुकी है, तो उन्हीं मैटर पे कमिश्नर वापस रिवीजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी कमिश्नर है, ये भी कमिश्नर है, तो एक सेम लेवल का अथॉरिटी दूसरे के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता। तो हमने ये कहा कि जो ए और बी का मैटर है वो किसके पास जा चुका है, सीआईटी के अपील के पास जा चुका है, तो ये डिसीजन दे देगा। ये क्या करेगा, डिसीजन दे देगा, और अगर इसने डिसीजन दे भी दिया है तो भी आप जो है क्या नहीं कर सकते, बेसिकली उसको रिवाइज नहीं कर सकते अंडर 263। जो बैलेंस मैटर है सीओडी, उसको क्या कर सकता है, कमीशन रिवाइज कर सकता है अंडर 263। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब देखो मैटर्स जो डिसाइड नहीं हुए हैं, सो अदर मैटर्स उसको आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो अदर मैटर्स बोले तो सीओडी मैटर्स को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसको अपन क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। तो ध्यान रखना 263 में क्या होता है, 263 में बेसिकली होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि 263 में बेसिकली क्या होता है, 263 में बेसिकली जो आपका कमिश्नर है वो एओ के ऑर्डर को क्या करता है, रिवाइज करता है। 63 के अंडर एओ जो है, सॉरी कमिश्नर जो है, एओ के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। और कौन सा ऑर्डर, जो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ जाओ 264 में। तो जो 263 था उसमें क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर रिवाइज करेगा। कौन से ऑर्डर को, जो एसएससी के फेवर में है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है। अब बात करते हैं अपन 264 के रिवीजन की। अब अपन बात करेंगे 264 के रिवीजन की, 264 का रिवीजन, तो रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर्स। 264 में बेसिकली क्या होता है, अब देखते हैं अपन। कमिश्नर कमिश्नर चाहे तो खुद के मोशन पे, मतलब विलिंगली, या फिर ऑन द एप्लीकेशन बाय द एसएससी, रिवाइज कर सकता है। अगेन किसका ऑर्डर, एओ का ऑर्डर, जो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी। तो अभी अपन ने क्या देखा था, 263 में देखा था ऑर्डर जो प्रीजुडिशियल था टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में था। तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट के ऑर्डर का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। और 264 में क्या होगा, एसएससी के अगेंस्ट के ऑर्डर का रिवीजन होगा, ठीक है। तो बेसिकली इधर क्या हो रहा था, कोई ऐसा ऑर्डर जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है, कोई ऐसा ऑर्डर जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है, एसएससी के फेवर में है, उसका रिविजन कौन कर रहा था, कमिश्नर कर रहा था। अच्छा 264 में क्या होता है, बेसिकली कोई ऐसा ऑर्डर जो एसएससी के अगेंस्ट में है, जो एसएससी के अगेंस्ट में, कमिश्नर क्या करेगा, उसका रिविजन करेगा। खुद से कर सकता है चला के, या फिर अगर एसएससी ने एप्लीकेशन दी है तो बेसिकली वो क्या कर सकता है, एसएससी ने एप्लीकेशन दी है तो रिवीजन हो सकता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ऑर्डर रिवाइज हो सकता है अगर कमिश्नर खुद से रिवीजन करना चाहता है, तो कब तक कर सकता है, डेट ऑफ ऑर्डर के विद इन 1 ईयर तक जो है खुद से रिवाइज कर सकता है। अगर एसएससी ने एप्लीकेशन दी है तो एसएससी कब तक एप्लीकेशन दे सकता है, देखो एसएससी कैन मेक एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द एओ का ऑर्डर। बेसिकली हमने ये देखा है कि 264 के अंदर कमिश्नर जो है ऑर्डर को रिवाइज करेगा, एओ के ऑर्डर को रिवाइज करेगा, और कौन से ऑर्डर को, जो एसएससी के अगेंस्ट में है, डिपार्टमेंट के फेवर में है। 263 में अपन ने जस्ट उल्टा देखा था। तो खुद से हमने देखा कि भाई जो कमिश्नर है खुद से रिवाइज कर सकता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अच्छा अगर एसएससी एप्लीकेशन देता है तो उसके बेसिस पे भी जो है रिवीजन हो सकता है, तो एसएससी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन की टाइम लिमिट क्या है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ एओ का ऑर्डर। अच्छा उसको 500 रुपये की फीस भी देनी पड़ेगी। अच्छा 1 महीने के बाद भी वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अगर सफिशियंट रीजन है तो। अच्छा अब देखना टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर, तो अपने ऊपर देखिए ना, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ एओ का ऑर्डर, ये हो गया विद इन 1 ईयर। अगर एसएससी ने एप्लीकेशन दी है, एसएससी ने एप्लीकेशन दी है तो रिवीजन कब तक होगा, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन वाज मेड बाय द एसएससी। इजी है ये, प्रोविजन 229 मैंने आपको बताई दिया, जब अपन पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन करेंगे। एग्जैक्टली मैंने जो है ये लाइन उधर चुपका रखी है, एग्जैक्टली पैराग्राफ उधर दे रखा है, उधर आप समझ जाओगे। अब देखना आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अपन ने सीआईटी, जैसे अपन ने क्या देखा था 263 के अंदर रिवीजन में देखा था कि भाई अगर हाई कोर्ट, आई टेट और सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे अगर आपको रिवीजन करना है तो टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती, वैसी ही चीज अपन को 264 में पढ़नी है। देखो अबाउट टाइम लिमिट, जो अपन ने ऊपर टाइम लिमिट देखी, शैल नॉट अप्लाई टू एनी ऑर्डर विच हैज बीन पास्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ और टू गिव इफेक्ट टू एनी फाइंडिंग डायरेक्शन कंटेन इन द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड आई टेट। तो अगर आई टेट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर ऑर्डर के बेसिस पे मुझे कोई ऑर्डर को रिवाइज करना है अंडर 264, तो अगेन टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, जो अपने 263 में रिवीजन देखा था, जो 263 के अंदर रिवीजन देखा था, उसकी अपील कहाँ जाएगी, उसकी अपील कहाँ जाएगी, तो मैंने आपको बताया उसकी अपील जाएगी आईटेट पे। और जब अपन आईटेट पढ़ रहे थे, जब अपन क्या कर रहे थे, आईटेट को पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया भी था, देखो ये रहा 263। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले एओ आया, एओ की अपील गई सीआईटी अपील्स के पास, इसकी अपील कहाँ जाती है आईटेट के पास, फिर कहाँ जाती है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा एओ के ऑर्डर को रिवाइज किसने कर दिया, एओ के ऑर्डर को कमिश्नर ने रिवाइज कर दिया अंडर 263।
अब मुझे एक चीज बताओ, ये भी कमिश्नर था, ये भी कमिश्नर था, अब 263 की मुझे क्या करनी है? 263 की मुझे जो है अपील फाइल करनी, तो किसके पास जाएगी? आईटेट के पास जाएगी। लॉजिकली समझ आ गई कहानी आपको, तो रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, लेकिन अपना जो सेक्शन 264 है ना, उसकी आप अपील फाइल ही नहीं कर सकते। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 264 में ऑर्डर पास होता है, जो 264 के अंदर ऑर्डर पास होता है, उसकी आप अपील फाइल ही नहीं कर सकते। अब अपील फाइल नहीं कर सकते तो क्या होगा? तो सरकार ये कह सकती है, आप डायरेक्टली किसके पास जा सकते हो? हाई कोर्ट के पास जा सकते हो विद रिट पिटीशन। मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो 264 के अंदर रिविजन ऑर्डर होता है, उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। 263 की कहाँ जाती है? 263 की जाती है हाईटेट के पास। 264 में जो है आप अपील फाइल कर ही नहीं सकते, तो अपील फाइल नहीं कर सकते का मतलब क्या है कि भाई आप डायरेक्टली किसके पास जा सकते हो? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अपन ने क्या देखा था? 263, 263 किस पे चलता है? 263 चलता है बेसिकली किस पे? पार्शियल मर्जर के कॉन्सेप्ट पे। और पार्शियल मर्जर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वापस बता देता हूँ, ये एयू का ऑर्डर है। क्या है बेसिकली? ये एयू का ऑर्डर है, एयू ने ऑर्डर पास करा ए बी सी डी ई पे। सीआईटी अपील्स पे पास कौन से मैटर चले गए? ए बी सी चले गए। तो 263 के अंदर क्या हो सकता है? 263 के अंदर डी और ई मैटर्स डिसाइड हो सकते हैं। कौन कौन से मैटर्स? डी और ई मैटर्स डिसाइड हो सकते हैं जो अपील में नहीं गए हैं, जो अपील में नहीं गए। ठीक है, आपको समझ में आ गई? तो जो अपील में चले गए, जो अपील में चले गए, उसको 263 के अंदर रिविजन नहीं हो सकता। तो रिविजन किसका होगा? जो अपील में नहीं गए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई इसको अपन क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर, बोले तो पीएम, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो एयू का पार्शियल ऑर्डर है वो किससे मर्ज हो गया है? वो मर्ज हो गया है सीआईटी अपील के ऑर्डर से, और जो बैलेंस ऑर्डर था उसको अपन रिविजन कर सकते हैं। लेकिन जो 264 है ना, 264 मुझे ये कहता है कि भाई, 264 कहता है कि भाई अगर 5 केस में से एक भी केस पे सीआईटी अपील ने बेसिकली क्या कर दिया है? ऑर्डर पास कर दिया है, तो उसको जो है 264 के अंदर रिविजन हो ही नहीं सकता। तो सुनो, एओ ने ऑर्डर पास करा ए बी सी डी ई पे, ए बी सी का मैटर किसके पास चला गया? ए बी सी का मैटर किसके पास चला गया? सीआईटी अपील्स के पास चला गया, और सीआईटी अपील्स ने उस पर ऑर्डर पास कर दिया। तो अब क्या होगा? 264 ये कहता है कि हम इसको टोटल मर्जर मानेंगे। क्या मानेंगे? टोटल मर्जर। इसका मतलब यह है कि भाई एओ का पूरा ऑर्डर किसके साथ मर्ज हो चुका है? सीआईटी अपील्स के साथ मर्ज हो चुका है, इवन दो डी और ई के मैटर जो है सीआईटी अपील के पास नहीं गए थे। तो मैंने आपको बताना है कि 263 में क्या होता है, पार्शियल मर्जर का कंसेप्ट चलता है। 264 ये कहता है कि देखो, अगर ऑर्डर, एओ का ऑर्डर हैज बीन डिसाइडेड इन अपील, अगर एओ के ऑर्डर पे अपील पास हो चुकी है, तो रिवीजन अंडर 264 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल ऑन एनी मैटर। इसको अपन क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर। कहानी समझ आ गई? तो देखो क्या रखा है, 264 किस पे चलता है? 264 चलता है डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर पे। लॉजिकली समझ में आ गई कहानी आपको? अपन आगे बढ़ते हैं। एक एसएससी के पास, अब मुझे बताओ, लॉजिकली बताते हैं अपन, आप ही मुझे बताना। एओ ने ऑर्डर पास करा, एओ ने ऑर्डर पास करा, और किसके अगेंस्ट पास करा? एसएससी के अगेंस्ट पास करा, एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ। अब मुझे बताओ, एक एसएससी हो, आप एसएससी हो, आपके पास क्या रेमेडी है? आपके पास रेमेडी है कि आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो जा सकते हो किसके पास? सीआईटी अपील्स के पास, या फिर जेसीआईटी अपील्स के पास जा सकते हो। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, एक और अपन चीज पढ़ी कि भाई एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो? 264 के रिविजन में भी जा सकते हो, 264 के रिविजन में भी जा सकते हो। मैंने आपको दोनों चीज समझा दी ना, कि भाई एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है अपील फाइल कर सकते हो सीआईटी अपील्स को, या फिर आप कमिश्नर के पास जा सकते हो अंडर 264 और कह सकते हो प्रभु रिवीजन करो। ठीक है, अब ध्यान रखना, एसएससी के पास, एसएससी के पास एक ही ऑप्शन है, दोनों के पास नहीं जा सकता। लॉ मुझे ये कहता है कि भाई एसएससी देख, हम तुझे अपना समय खराब करने नहीं देंगे, तू दोनों में से डिसाइड कर लेते हो किसके पास जाना है। दोनों में से किसी एक के पास ही जा सकता है, दोनों के पास नहीं जा सकता। तो या तो उधर चला जाएगा या फिर वो इधर जाएगा, दोनों के पास नहीं जा सकता। अब पढ़ना, एसएससी कैन ईदर प्रीफर एन अपील टू सीआईटी अपील्स। या तो क्या करेगा, वो सीआईटी अपील्स के पास जाएगा, या फिर कमिश्नर के पास जाएगा अंडर 264 कि भाई रिवीजन कर दो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है आपके पास, जो है दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। लॉजिकली कहानी समझ में आ गई? अब एक और चीज समझना, अगर एसएससी बोलता है, क्या बोलता है? अगर एसएससी बोलता है कि भाई मुझे जो है 264 के अंदर रिवीजन करना है, अगर एसएससी बोलता है कि भाई मुझे 264 अंडर 264 के अंदर रिवीजन करना है, आप क्या करो? आप जो है बेसिकली 264 के अंदर रिवीजन कर दो। तो कमिश्नर कहेगा कि भाई देख, अगर तू जो है मेरे पास आ रहा है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे जो है अपील का राइट वेव करना पड़ेगा। अपील का राइट क्या करना पड़ेगा? वेव करना पड़ेगा। मतलब तू अगर मेरे पास आ रहा है, तो तू जो है सीआईटी अपील्स के पास अपील फाइल नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर तुझे मेरे पास आना है, अगर तुझे मेरे पास आना है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे अपना अपील का राइट वेव ऑफ करना पड़ेगा कि भाई तू अब अपील फाइल नहीं करेगा। तो देखो क्या दे रखा है, एसएससी कैन अप्लाई फॉर रिविजन, आप जो है रिविजन में जा सकते हो ओनली इफ, ओनली इफ, ओनली इफ एसएससी ने क्या करा है, अपना राइट टू अपील वेव कर दिया है। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई दोनों में से आपके पास एक ही ऑप्शन है। अब
और अगर 260 में आप जा रहे हो तो कमिश्नर पहले आपको कहेगा कि भाई अगर तुझे मेरे पास आना है तो आ जा, मैं तेरा जो है स्वागत करूंगा, लेकिन तुझे जो है अपना अपील का राइट वे ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा नंबर टू, आप अपील में जा सकते हो कब, या तो आपने क्या करा है, या तो बेसिकली आपने जो अपना राइट अपील का राइट क्या करा है वीव ऑफ कर दिया है, या फिर आपका जो अपील का टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। तो मुझे एक चीज बताओ, आप अपील फाइल कर सकते थे विद इन 30 डेज, आपने अपील फाइल नहीं करी, टाइम एक्सपायर हो गया, तो आप क्या कर सकते हो 264 के अंदर जा सकते हो। तो देखो क्या देखा है, एसएससी कैन अप्लाई फॉर रिविजन ओनली इफ या तो उसका क्या हो चुका है बेसिकली टाइम एक्सपायर हो चुका है, देखो टाइम एक्सपायर हो चुका है, या फिर उसने अपना जो अपील का राइट है वीव ऑफ कर दिया है। लॉजिकली अपन ने पूरा 264 समझ लिया। अब देखो सरकार जो है डिपार्टमेंट को कहती है, अपना लॉ जो है वो डिपार्टमेंट को कहता है कि डिपार्टमेंट किसको कहता है, डिपार्टमेंट को, एसएससी को नहीं, डिपार्टमेंट को कहता है कि भाई अगर आपको अपील फाइल करनी है किसको, आईटेट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, आप कर सकते हो, लेकिन छोटे मोटे मैटर्स मत लेके आना। मैंने आपको क्या बताया, लॉ अपने को कहता है, लॉ कहता है डिपार्टमेंट को कि देख बेटा अगर तुझे जो है आईटेट को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अपील फाइल करनी है, ठीक है, तो तू चिल्लर मैटर्स मत लेके आना, हम छोटे मोटे मैटर्स के लिए जो है अपना समय खराब नहीं करेंगे। अगर तू अपील करना चाहता है आईटेट को, किसको, आईटेट को, तो ये देखना कि भाई जो हमें टैक्स मिलने वाला है, जो हमें टैक्स मिलने वाला है वो कम से कम 50 लाख से ज्यादा का हो, तो टैक्स इफेक्ट कितने से ज्यादा हो, 50 लाख से ज्यादा का हो। टैक्स इफेक्ट का मतलब क्या है, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लॉजिकली कहानी समझ में आ रही है, मतलब बेसिकली सरकार ये नहीं चाहती कि भाई छोटे मोटे मैटर्स के लिए भी केसेस पहुंच जाएं। सरकार ने कहा डिपार्टमेंट को, एसएससी तो अपील फाइल कर सकता है किसी को भी, लेकिन सरकार ने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि डिपार्टमेंट अगर आपको जो है एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर फाइल करना है, ठीक है, एसएससी के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो आप अपील फाइल कर सकते हो, लेकिन चिल्ड्रन मैटर मत लेके आना, कम से कम जो है मोटा अमाउंट लेके आना। तो देखो अगर डिपार्टमेंट को अपील फाइल करनी है किसको, आईटेट को, तो कम से कम टैक्स इफेक्ट किससे ज्यादा होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा, हाई कोर्ट के केस में 1 करोड़ से ज्यादा, और सुप्रीम कोर्ट के केस में 2 करोड़ से ज्यादा, तभी मजा आएगा। चिल्ड्रन मैटर्स हम नहीं खेलते, ठीक है, चिल्ड्रन मैटर्स के लिए हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज समझना, अबव मॉनेटरी लिमिट्स शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एसएससी, मतलब बेसिकली एक एसएससी था, एसएससी के फेवर में ऑर्डर पास हो गया, अब डिपार्टमेंट क्या करना चाहता है, अपील फाइल करना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, ये चेक करना पड़ेगा लिमिट्स, नहीं सुनाई, लेकिन उसको लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है कब, जब एसएससी क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थ्रू पेनी स्टॉक्स। कहानी सुन में आ गई, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये जो लिमिट्स है ना, ये लिमिट्स चेक करने की आपको जरूरत नहीं है कब, जब एसएससी क्या कर रहा है, बोगस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्लेम कर रहा है थ्रू पेनी स्टॉक्स, एंड अपील या फिर स्पेशल लीव पिटीशन इन सच केसेस कैन बी फाइल ऑन मेरिट्स। तो मैं आपको बता दिया बेसिकली मतलब इतना सा है कि भाई आपको जो है ये लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ये लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, इवन इफ 1000 रुपये का जो है टैक्स इफेक्ट आ रहा है फिर भी आप जो है अपील फाइल कर सकते हो। कि कौन फाइल कर सकता है, डिपार्टमेंट फाइल कर सकता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, एसएससी ने एक कांड करा, कांड, लेकिन उसका जो टैक्स इफेक्ट है ना वो 10 लाख आ रहा था, तो डिपार्टमेंट ने अपील फाइल नहीं करी। एसएससी ने अगले साल कांड करा, यही वाला कांड करा, और अब टैक्स इफेक्ट आ रहा है 1 करोड़ का। तो क्या एसएससी ये कह सकता है डिपार्टमेंट को कि देखो पिछले साल भी मैंने ये कांड करा था लेकिन आपने अपील फाइल नहीं करी, इस साल भी मैंने ये कांड करा तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते? तो सरकार ने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि भाई अगर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल नहीं करी है किसी पर्टिकुलर इशू पे, क्यों नहीं फाइल करी है, क्योंकि वो जो टैक्स इफेक्ट था वो इस लिमिट के अंदर अंदर था, तो डिपार्टमेंट को हम रोक नहीं रहे, डिपार्टमेंट शेल नॉट स्टॉप, इट शेल नॉट स्टॉप, इट शेल नॉट स्टॉप द डिपार्टमेंट फ्रॉम फाइलिंग द अपील, ठीक है, इन द केस ऑफ अनदर एसएससी इन एनी ईयर, या फिर इन द केस ऑफ सेम एसएससी इन अनदर ईयर। तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ना कि भाई एसएससी ने कांड करा, कांड का टैक्स इफेक्ट आ रहा था 10 लाख का, अच्छा एसएससी ने अगले साल नेक्स्ट ईयर वापस वही कांड करा और टैक्स इफेक्ट आ रहा है 1 करोड़ का, तो एसएससी ये नहीं कह सकता डिपार्टमेंट को देखो पिछले साल आपने अपील फाइल नहीं करी थी, इस साल भी अपील फाइल नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट फाइल कर सकता है। ठीक है अब सुनो, एसएससी ने कांड करा, प्रीवियस ईयर चल रहा है 2023-24, एसएससी ने कांड करा, ये एसएससी नंबर वन है, इसने कांड करा और इसका टैक्स इफेक्ट आ रहा है 10 लाख रुपए का। एसएससी नंबर टू ने इसी साल कांड करा और उसका टैक्स इफेक्ट आ रहा है कितने का, 1 करोड़ रुपए का। तो ये वाला जो नंबर टू का एसएससी है ना, ये डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकता कि भाई देखो आपने एसएससी नंबर वन के केस में तो आपने एससी नंबर वन के केस में तो अपील फाइल नहीं करी तो आप मेरे केस में भी अपील फाइल नहीं कर सकते। तो बेसिकली सरकार ये कह रही है कि जो हमने ये प्रोविजन बनाया है ना, ये प्रोविजन इसलिए बनाया था कि छोटे मोटे केसेस हमारे पास ना आए, लेकिन अगर आप बड़े बड़े कांड कर रहे हो, बड़े बड़े अमाउंट के कांड कर रहे हो, तो एस डिपार्टमेंट को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया वो इधर दे रखा है, इजी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस देखते हैं। अब मुझे ये चीज बताओ, अपलेट अथॉरिटी, अपलेट अथॉरिटी बोले तो आईटेट, क्या आईटेट नया क्लेम एक्सेप्ट कर सकता है? मैंने आपको बताया था बिल्कुल कर सकता है, जो सीआईटी अपील्स होती है, सीआईटी अपील्स उन्हीं मैटर्स को डिसाइड कर सकती है जो एओ के ऑर्डर से अराइज हो रही है, हाई कोर्ट उन्हीं मैटर्स को डिसाइड कर सकता है जो आईटेट के ऑर्डर से अराइज हो रहा है, लेकिन आईटेट कोई नए मैटर को डिसाइड बिल्कुल कर सकती है।
देखो क्या देखा है, एडिशनल ग्राउंड्स कैन बी रेज बिफोर एप्लेट अथॉरिटी इवन अदरवाइज बाय वे ऑफ फाइलिंग आरओआई। अच्छा एक और चीज अपन ये देखी थी जब अपन ने पिछले वाला लेक्चर करा था कि भाई अगर एओ एओ के सामने कुछ आपको नया क्लेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम ही फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा एक और चीज समझना, क्या आईटेट अपील को डिसमिस कर सकता है ये कहते हुए कि भाई सामने वाला बंदा तो हियरिंग में प्रेजेंट नहीं था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एसएससी हूँ, मैंने आईटेट को अपील फाइल करी, अच्छा आईटेट ने बोला कि परसों आ जाना, हम परसों केस लड़ेंगे, मैं परसों नहीं आ पाया किसी रीजन की वजह से, तो क्या आईटेट अपील को डिसमिस कर देगा? बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट कहता है, अपना लॉ ये कहता है कि भाई आईटेट को क्या करना पड़ेगा, सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ही ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अब देखो क्या रखा है, कैन आईटेट डिसमिस द अपील विदाउट डिसाइडिंग द केस सोली ऑन द ग्राउंड दैट एसएससी हैज नॉट अपीयर्ड इन द अपॉइंटेड डेट ऑफ हियरिंग? बिल्कुल नहीं। आईटेट को क्या करना पड़ेगा, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए ही ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आईटेट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है? नहीं, ठीक है। लेकिन क्या ट्रिब्यूनल, क्या आईटेट ट्रिब्यूनल बोलते हो वही इनकम टैक्स अपलाइड ट्रिब्यूनल, क्या ट्रिब्यूनल 254 सबसेक्शन 2 में अपने ऑर्डर को रिव्यू करके क्या कर सकता है, बेसिकली मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड को ठीक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो देखो यस ये हो गया यस। तो डिफरेंस समझना, अगर आईटेट क्या करना चाह रहा है, अपने ऑर्डर को सिर्फ रिव्यू करना चाह रहा है, नहीं कर सकता। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को रिकॉल या रिव्यू करना चाह रहे हैं टू रेक्टिफाई द मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड, तो वो कर सकता है। इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या रखा है, कैन द पावर अंडर 254 सबसेक्शन 2 बोले तो रेक्टिफिकेशन की पावर, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल 254 सबसेक्शन 2 बोले तो रेक्टिफिकेशन, क्या पावर अंडर 254 सबसेक्शन 2 बी एक्साइज बाय द ट्रिब्यूनल टू रिकॉल एंड ऑर्डर एंड रीहियर द एंटायर ऑर्डर ऑर्डर ऑन मेरिट्स? बिल्कुल नहीं। तो हम बताएंगे कि भाई 254 सबसेक्शन 2 में क्या होता है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का रेक्टिफिकेशन होता है। तो अगर 254 सबसेक्शन 2 में आपको क्या करना है, 254 सबसेक्शन 2 में ऑर्डर को रिकॉल करके रेक्टिफाई करना है, तो आप कर सकते हो तभी जब आपके ऑर्डर में क्या है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई 365 दिन निकल चुके हैं, क्या स्टे ऑफ डिमांड वैकेट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। कब वैकेट हो जाएगी, जब एसएससी ने डिफॉल्ट करा था। अगर एसएससी की डिफॉल्ट की वजह से, अगर एसएससी की डिफॉल्ट की वजह से बेसिकली आईटेट ने ऑर्डर 365 दिन में पास नहीं कराए, तो डिमांड वैकेट नहीं होगी। तो वही चीज लोगों ने दे रखी है। क्या ले रखा है, देखो वुड ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 365 डेज बी वैलिड वेदर डिले इज नॉट अट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी? हम कहेंगे यस वैलिड, ठीक है। सो ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे, एक सेकंड क्या लिख दिया मैंने इसमें, क्या ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 365 डेज बी वैलिड वेदर डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील इज नॉट अट्रीब्यूटेबल टू? इधर लिख देना नो, नॉट वैलिड आएगा, नॉट वैलिड आएगा इधर, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये आएगा नॉट वैलिड। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 365 दिन निकल चुके हैं, 365 दिन क्या हो गए हैं, निकल चुके हैं 365 दिन बेसिकली अपने निकल चुके हैं, आईटेट ने अभी भी ऑर्डर पास नहीं करा, तो क्या जो डिमांड है वो वेकेट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, वेकेट नहीं होगी, वेकेट नहीं होगी। तो अगर एसएस की गलती नहीं थी, एसएस की गलती नहीं थी, तो जो है डिमांड वेकेट नहीं होगी। तो क्या ऑटोमेटिक वेकेशन बी वैलिड वेदर डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील इज नॉट अट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी? तो जो डिले था वो एसएससी की गलती की वजह से नहीं है, तो ऑटोमेटिक वेकेशन वैलिड नहीं होगा। तो इधर लिख लेना नो, नॉट वैलिड। अब आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अब देखो वही चीज है कि हाई कोर्ट अपने प्रीवियस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा तो इधर अपने देखा कि क्या अपने हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, हमने कहा बिल्कुल कर सकता है। क्या हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है टू करेक्ट अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? हाँ बिल्कुल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो अपन एक चीज देखी थी कि भाई जो आईटेट से हाई कोर्ट के पास चीज जाती है वो कौन सी जाती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की जाती है। तो बेसिकली एसएससी ने अपील फाइल करी किसको, हाई कोर्ट को। अच्छा एसएससी बोलता है कि भाई देखो ये मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो बेसिकली हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट जो है इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को पढ़ के देखेगा कि भाई एक्चुअल में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है कि नहीं है, और अगर इन्वॉल्व है तो क्या करेगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को बनाएगा। आप देखो चीज देख, आप देखो पढ़ो क्या दे रखा है, कंसर्निंग प्रोसीजर अंडर 260 सबसेक्शन ए। अच्छा ये जो सेक्शन नंबर होते हैं ना, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर के बिल्कुल मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो क्या हाई कोर्ट इज जस्टिफाइड इन नॉट फ्रेमिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ इट सेल्फ एंड एडजुडिकेटिंग मेरली ऑन द क्वेश्चन पुट फॉर द अपलेंट? तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर अपलेंट अपील फाइल करता है और अपलेंट ये कहता है कि भाई देखो ये मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो हाई कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट इस क्वेश्चन को लॉ को रीड करेगा और खुद का क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाएगा, खुद का क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाएगा। तो अगर उसने खुद का क्वेश्चन ऑफ नहीं बनाया, खुद का क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनाया, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। इतनी कहानी सुनना गई। अब एक और चीज समझना, ये आईटेट ने ऑर्डर पास करा, आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप जो है हाई कोर्ट पर अपील फाइल कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, विदिन 120 डेज अपील फाइल कर सकते हो। इतनी कहानी सुनना गई। एसएससी ने क्या करा, एसएससी ने जो है इधर एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन भी लगा दी 254 सबसेक्शन 2 के अंदर। अच्छा एसएससी ने एप्लीकेशन लगा दी रेक्टिफिकेशन की, हाई कोर्ट आईटेट का अभी तक तो ऑर्डर पास नहीं हुआ, और ये जो 120 डेज की टाइम लिमिट थी ना वो निकल गई। अच्छा एसएससी जो है 120 डेज के बाद हाई कोर्ट के पास जाता है और बोलता है हे प्रभु मेरी अपील को एक्सेप्ट करो, हाई कोर्ट बोलती है 120 दिन के बाद आए हो क्यों?
तो एसएससी बोलता है कि भाई देखो मैंने क्या करा था, रेक्टिफिकेशन फाइल करी थी इसलिए मैं लेट हो गया। हाई कोर्ट कहता है ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना था तो आप अलग से कर देते, आपको अपील फाइल करनी थी वो भी आप अलग से कर देते, हम जो है 120 दिन के बाद एंटरटेन नहीं करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, कैन द डिले इन फाइलिंग द अपील अंडर 260 सबसेक्शन ए, बोले तो हाई कोर्ट के पास बी कंडोन्ड वेदर रीजन फॉर डिले, वेदर रीजन फॉर डिले इज एन एप्लीकेशन बिफोर द आईटेट अंडर 254 सबसेक्शन 2 फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपलाइड फॉर रिकॉर्ड, नहीं। ठीक है, तो डिले कंडोन नहीं होगा, डिले कंडोन नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, आईटेट ने क्या करा, एएलपी को डिटर्मिन करा, हाई कोर्ट के पास अपील गई, और हाई कोर्ट क्या ये चेक कर सकता है कि भाई आईटेट ने जो है एएलपी अच्छे से डिटर्मिन करी है कि नहीं करी है, बिल्कुल कर सकता है। तो देखो क्या देखा है, नो नॉट प्रिक्लूडेड, मतलब आप कर सकते हो। इस पॉइंट को करेक्ट कर लेना, इस पॉइंट को मैंने आपको बता दिया, करेक्ट कर लेना, लिख लेना नो नॉट वैलिड, नो नॉट वैलिड, नो नॉट वैलिड। अच्छा एक और ये वाला केस स्टडी रह गया ना, देखो क्या दे रखा है, एसएस का काम क्या था कि भाई वो अपने एसएस को लीज पे देता है। ठीक है, मेरा बिजनेस क्या है कि भाई मैं अपने एसेट्स को रेंट पे देता हूँ। अच्छा मैंने क्या करा, बेसिकली अपना एक एसेट सामने वाले बंदे को रेंट पे दिया, मैंने क्या करा अपना एक एसेट सामने वाले बंदे को रेंट पे दिया, मैंने इस सामने वाले बंदे को लोन भी दे दिया। किस बात का लोन दे दिया, ताकि सामने वाला बंदा मुझे जो है रेगुलर रेंट पे करता रहे। तो मैंने क्या करा, बेसिकली अपना एसेट सामने वाले को रेंट पे दिया और एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एंटर करा, ताकि सामने वाला बंदा क्या कर सके, ये चीजों को बेसिकली रेंट पे ले सके, किराया पे कर सके, और जो मैंने उसको लोन दिया है उससे ऑफकोर्स मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। इतनी कहानी समझ में आ गई, आप पढ़ो। एसएससी वॉज एंगेज इन लीजिंग बिजनेस, हम क्या कर रहे हैं, लीजिंग का बिजनेस कर रहे थे। एसएससी ने क्या करा, एसएससी ऑल्सो फाइनेंस्ड एंटरप्राइज विथ हुम इट हैज एंटर इन टू द लीज अग्रीमेंट, तो जिस बंदे से मैंने लीज अग्रीमेंट एंटर करा था मैंने उसको जो है फाइनेंसिंग भी दे दी, टू अनेबल देम टू ऑब्टेन द प्लांट, ताकि सामने वाला बंदा क्या कर सके, प्लांट एंड मशीनरी को लीज पे ले सके। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या करा है, बेसिकली एसेट को जो है सामने वाले बंदे को लीज पे दिया है, अच्छा सामने वाले को बंदे को फाइनेंस करने के लिए मैंने जो है सामने वाले बंदे को लोन भी दे दिया। अब एक और चीज समझना, फॉर सच फाइनेंसिंग, जो सामने वाले बंदे को मैंने लोन लिया है, एसएससी हैज ऑब्टेंड अ लोन इन फॉरेन करेंसी, तो सामने वाले बंदे को लोन लिया है, मैंने लोन लेके लोन दिया है, मेरा बिजनेस है मैं अपने एसेट्स को किराए पे देता हूँ, मैंने लोन लिया और उसको लोन दे दिया। अच्छा जो मैंने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है उससे मुझे क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज गेन या लॉस हो रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि जो एक्सचेंज गेन या लॉस हो रहा है ये मैं अपनी जो एसेट है एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में से एडियालाइज करूँ या पीएनएल में लेके जाऊँ, तो जो केस लॉ है मुझे केस लॉ ये बताता है कि जो आपने लोन लिया है, जो आपने लोन लिया है वो बिजनेस पर्पज के लिए लिया है, जो आपने लोन लिया है वो एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए नहीं लिया है, देयरफॉर जो आपका लोन का इंटरेस्ट आ रहा है और जो उनका एक्सचेंज या गेन लॉस आ रहा है वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। तो देखो लोन वॉज बोरोड फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी विच वॉज एन एक्टिविटी कंसर्निंग द बिजनेस ऑफ द बिजनेस, सो लॉस वॉज अलाउेबल अंडर सेक्शन 37, अपने पीजीपी में पढ़ रखा है ना, सेक्शन 37 में अलाउ जाएगा, पीएनएल में आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। इट वॉज नॉट अ लोन बोरोड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, हमने एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए बोरो नहीं करा है, अगर एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए बोरो करा होता तो कहाँ जाता है, एक्चुअल कॉस्ट में चला जाता। अब अपील्स का अपना जो है लास्ट दो सेक्शन बचने हैं, अपील्स का अपने लास्ट दो सेक्शन बचे हैं छोटे से, एक बच रहा है 158A और एक 158AB, बस अपन लास्ट दो सेक्शंस कर रहे हैं, अपना अपील पूरा खत्म हो गया। ऑलराइट गाइस, सो अपने अपील्स के लास्ट दो सेक्शन देखते हैं, एक है सेक्शन 158A, क्या है 158A मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। देखो ये एसएससी है, एसएससी के केस में एओ ने कोई ऑर्डर पास करा, सीआईटी अपील्स ने कोई ऑर्डर पास करा, या फिर आईटेट ने कोई ऑर्डर पास करा, ठीक है, तीनों में से किसी ने भी कोई ऑर्डर पास करा किसी पर्टिकुलर इशू पे, ठीक है समझ आई, तो एओ एसएससी के केस में इन तीनों में से किसी ने भी कोई ऑर्डर पास करा। अच्छा जो इशू था वो अपन अज्यूम करते हैं वो था इशू नंबर वन, ठीक है इशू नंबर वन, किसी पर्टिकुलर मैटर का कोई इशू था जिसके अगेंस्ट पे, जिसके अगेंस्ट पे इन तीनों में से किसी भी एक ने जो है एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, इसी तरह का सेम इशू, इसी तरह का सेम इशू था, इसी तरह का सेम इशू था एसएससी के ही केस में, तो जो पर्टिकुलर एसएससी है उसी के केस में इसी तरह का कोई इशू था जो अभी किसके पास पेंडिंग है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर पास हुआ है प्रीवियस ईयर 2000, अपन अज्यूम करते हैं 2021 के लिए, अच्छा प्रीवियस ईयर 2018-19 में सेम इशू था, प्रीवियस ईयर 2018-19 में क्या था, प्रीवियस ईयर 2018-19 में भी सेम इशू था, तो प्रीवियस ईयर 2018-19 का कोई केस था जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है उसमें भी क्या था, सेम इशू था। अच्छा 2-3 साल बाद इसी पर्टिकुलर वापस इशू पे प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए इन तीनों में से क्या करा, किसी ने ऑर्डर पास कर दिया। अब सुनना एसएससी क्या कर रहा है, एसएससी जो है इन तीनों को एप्लीकेशन दे रहा है, किसी को भी एप्लीकेशन दे, फॉर एग्जाम्पल आईटेट ने ऑर्डर पास कर दिया, तो एसएससी एप्लीकेशन दे रहा है आईटेट को और क्या बोलता है कि देखो अगर आप जो है क्या करते हो, अगर आप जो है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेरे केस में अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हो तो मैं आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करूंगा। वापस देखना
एसएससी बोलता है आईटेट को कि हे प्रभु, आपने जिस इशू के अगेंस्ट में करंट ईयर में ऑर्डर पास करा है, वही पर्टिकुलर सेम इशू प्रीवियस ईयर का मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। ठीक है सुन भाई, एसएससी बोलता है आईटेट को कि हे प्रभु, जिस इशू पे आपने ऑर्डर पास करा है उसी तरह का इशू प्रीवियस ईयर का मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। अगर तो आप क्या करते हो, अगर तो आप जो है बेसिकली जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है इस पर्टिकुलर इशू पे, वो मेरे केस में अप्लाई करने के लिए अग्री कर जाते हो, तो जो आप ऑर्डर पास करोगे उसके अगेंस्ट मैं अपील नहीं करूंगा। लॉजिकली कहानी समझ आ गई? मतलब मैं बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ आईटेट को कि भाई देखो, अभी आपने ऑर्डर पास कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके ऑर्डर पे अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है अपन एक समझौता कर लेते हैं कि जो आपकी हायर अथॉरिटी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो आपकी हायर अथॉरिटी है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर पास कर देती है और ऑर्डर जो है अलग होता है जो आपने ऑर्डर पास करा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपना ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। वापस समझ लेते हैं, एक पर्टिकुलर इशू था, उस पर्टिकुलर इशू पे आईटेट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, उसी तरह का सेम इशू किसी प्रीवियस का किसके पास पेंडिंग है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो एसएससी आईटेट को क्या बोलता है कि देखो आईटेट, मेरा जो आपने जिस इशू पे ऑर्डर पास करा ना, उसी तरह का इशू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग है। अगर आप अग्री कर जाते हो कि जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो मेरे केस में अप्लाई कर दोगे, तो पर्टिकुलर ईयर पे जो आपने ऑर्डर पास करा है मैं उस पर अपील फाइल नहीं करूंगा। अब बस अज्यूम करो कि भाई आईटेट ने क्या करा, एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, दो तीन साल जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और वो भी एसएससी के अगेंस्ट में आता है, तो सीधी सी बात ये है कि भाई इसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई अगेंस्ट में ऑर्डर पास होना चाहिए, आईटेट ने भी जो है अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अज्यूम करो कि भाई करंट ईयर में जो है क्या हुआ था, आईटेट ने जो है एसएससी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया, बाद में जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई एसएससी के फेवर में ऑर्डर पास होना चाहिए, तो अब आईटेट क्या करेगी, बेसिकली आईटेट अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर देगी। इतनी कहानी समझ आ गई? अब पढ़ना, जब एसएससी कहता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग बिफोर एओ, सीआईटी अपील्स या फिर आईटेट इज आइडेंटिकल विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन इस केस फॉर अनदर प्रीवियस ईयर व्हिच इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो एसएससी जो है क्या बोल सकता है, इनको बोल सकता है एओ को, सीआईटी अपील्स को, आईटेट को, कि भाई अगर आप अग्री कर जाते हो, अगर आप क्या कर जाते हो, अग्री कर जाते हो टू अप्लाई इन द प्रेजेंट केस, मतलब प्रेजेंट केस में इस वाले डिसीजन का जो है, प्रेजेंट केस में इस वाले डिसीजन का ऑर्डर अगर मेरे पे अप्लाई करने के लिए अग्री कर जाते हो, तो मैं आपके ऑर्डर पे अपील फाइल नहीं करूंगा। पढ़ो, इन सच सिचुएशन एसएससी फर्निश कर सकता है डिक्लेरेशन टू, इन लोगों को डिक्लेरेशन फर्निश कर सकता है कि भाई अगर आप अग्री करते हो कि भाई आप मेरे प्रेजेंट केस में फाइनल डिसीजन ऑफ अदर केस अप्लाई कर दोगे, इस अदर केस का फाइनल डिसीजन अगर आप मेरे केस में अप्लाई कर दोगे, तो मैं जो है आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करूंगा। लॉजिकल है, ठीक है? एसएससी क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि एसएससी को पता है कि अगर आईटेट क्या करेगा, बेसिकली अगर मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर देगा, फिर मैं वापस किसके पास जाऊंगा, हाई कोर्ट के पास जाऊंगा, इससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ, उससे एक अग्रीमेंट कर लेता हूँ कि जो भी सुप्रीम अथॉरिटीज का डिसीजन होगा, जो भी सुप्रीम अथॉरिटीज का डिसीजन होगा, अगर आप अग्री कर जाते हो कि आप मेरे केस में लगा दोगे, तो मैं आपके केस में जो है मैं आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करूंगा। अच्छा, लॉजिकली आप देखना दूसरी तरह से, मैं अग्रीमेंट नहीं करता, मैं किसके पास चला जाता, हाईटेट ने ऑर्डर पास करा, मैं हाई कोर्ट के पास चला जाता। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट का ये डिसीजन मेरे अगेंस्ट में आता, तो हाई कोर्ट क्या करता, ये भी जो है मेरा क्या करता, मेरे अगेंस्ट में ही कर देता ना, ये भी ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में ही पास करता, सीधी सी बात है, तो मैंने अग्रीमेंट कर लिया किससे, हाईटेट से। इसी तरह से मैं सीआईटी अपील्स को भी क्या चीजें कह सकता हूँ कि भाई देखो, मेरा जो केस है वो किसके पास पेंडिंग है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, अगर आप इस केस का डिसीजन मेरे केस में लगाने के लिए अग्री कर जाते हो, तो मैं आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करूंगा। लॉजिकली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 158 हो गया। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गारंटीड इस बार टेस्ट करेगा या फिर अगले एक दो अटेम्प्ट में ये टॉपिक जरूर छुएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अपन कहाँ थे, अपन ये रहा, मैंने आपको बता दिया कि भाई वेयर द फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पास्ड इन द अदर केस, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, अभी जो एओ था, सीआईटी बिल्स था या फिर आईटेट था, वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा टू द प्रेजेंट केस एंड अमेंड करेगा ऑर्डर अगर जरूरत पड़ती है तो। इजी है। अब एक और चीज समझना, आपको एक और चीज समझाता हूँ, लास्ट अपना अपील्स का लास्ट टॉपिक, अपना अपील्स का लास्ट टॉपिक जो क्या दे रखा है, एसएससी के अगेंस्ट एओ ने ऑर्डर पास करा, तो एओ ने ऑर्डर पास करा एसएससी के अगेंस्ट में, एसएससी ने क्या करा, अपील फाइल कर दी सीआईटी अपील्स को, एसएससी ने क्या करा, अपील फाइल कर दी सीआईटी अपील्स को, या फिर सीआईटी अपील्स की अपील फाइल कर दी आईटेट को। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एओ ने ऑर्डर पास करा एसएससी के अगेंस्ट में, एसएससी ने अपील फाइल कर दी किसको, सीआईटी अपील्स को, या फिर सीआईटी अपील्स के अगेंस्ट पे एसएससी ने अपील फाइल कर दी किसको, आईटेट को। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, सीआईटी अपील्स या फिर आईटेट ने जो है फेवर ऑफ एसएससी में ऑर्डर पास कर दिया, तो एओ ने अगेंस्ट में पास करा था,
एसएससी ने अपील फाइल कर दी किसको, सीआईटी पुलिस को या फिर आईटेट को, इन दोनों ने क्या करा, फेवर में पास कर दिया। अब सुनना डिपार्टमेंट क्या कहता है। डिपार्टमेंट जो है एओ को ये कहता है, क्या कहता है डिपार्टमेंट जो है एओ को ये कहता है कि तू इस प्रोसीजर को फॉलो कर, और वो प्रोसीजर क्या है वो समझना। तो बेसिकली डिपार्टमेंट एसएससी को क्या कह रहा है, सॉरी डिपार्टमेंट एओ को क्या कह रहा है कि तू ये वाला प्रोसीजर फॉलो कर, और ये प्रोसीजर क्या है थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टेक्निकल है। अपन अज्यूम करते हैं इसको आईटेट को मैं भूल जाता हूँ, इधर इधर मैं आईटेट को हटा देता हूँ एक बार को आपकी आसानी के लिए। तो एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट, सॉरी एओ ने एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, एसएससी ने क्या करा सीआईटी अपील्स के पास अपील फाइल कर दी, सीआईटी अपील्स ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दे दिया। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब डिपार्टमेंट बेसिकली इसके अगेंस्ट में क्या करना चाहेगा, इसके अगेंस्ट में आईटेट को अपील करना चाहेगा। लॉजिकल, डिपार्टमेंट क्या करना चाहेगा सीआईटी अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट में आईटेट को अपील फाइल करना चाहेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली डिपार्टमेंट एओ को क्या कहता है कि तू आईटेट को एक एप्लीकेशन फाइल कर, ठीक है, तू आईटेट को क्या कर एप्लीकेशन फाइल कर। और हम क्या बोलेंगे आईटेट को, हम आईटेट को ये बोलेंगे कि जो इशू, जिस इशू पे सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा है उसी तरह का सेम इशू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एओ को क्या बोलेगा कि तू आईटेट को अपील करने की बजाय उसको एक एप्लीकेशन फाइल कर, और आईटेट को ये कहे कि भाई जिस इशू पे सीआईटी अपील्स ने क्या करा है ऑर्डर पास करा है उसी तरह का इशू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग है। जैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, जैसे ही हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है उस ऑर्डर के आने के बाद जो है अपील फाइल कर देंगे। लॉजिकली कहानी समझ में आई आपको। अब सुनना सीआईटी अपील्स ने क्या करा था, फेवर ऑफ एसएससी में ऑर्डर पास कर दिया था, हाई कोर्ट ने भी बाद में जाके क्या करा फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। तो अब मुझे क्या क्या एओ को आईटेट के पास अपील फाइल करने की जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत। इतनी कहानी समझाई। अच्छा अगर हाई कोर्ट का डिसीजन एसएससी के अगेंस्ट में आ जाता है, एसएससी के अगेंस्ट में आ जाता है, तो बेसिकली अब क्या करेगा, अब एओ जो है आईटेट को एप्लीकेशन फाइल कर देगा, और आईटेट को कहेगा कि भाई देखो हमने आपसे पहले ही एग्रीमेंट कर रखा था कि जैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा हम जो है बाद में क्या करेंगे बेसिकली अपील फाइल कर देंगे। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बेसिकली इसलिए हो रहा है ताकि थोड़े नंबर ऑफ केसेस कम हो, ठीक है। हमें एक चीज बताओ कि भाई हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के पास एक इशू का केस पेंडिंग है, एक इशू का केस पेंडिंग है, राइट। अच्छा एओ वापस आईटेट के पास ऑर्डर पास कर दे, एओ वापस आईटेट के पास अपील फाइल कर देगा, आईटेट वापस डिसीजन देके किसके पास ऑर्डर पहुंचा देगा, हाई कोर्ट के पास पहुंचा देगा। तो हाई कोर्ट के पास एक ही इशू के बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, इसलिए डिपार्टमेंट ने एक क्या निकाला, सेक्शन अमेंड करा, सेक्शन 158 AB। लॉजिकली मैंने आपको समझाया, वापस कहानी समझ लेना, वापस कहानी समझना। तो एओ ने एसएससी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया, एसएससी किसके पास चला गया सीआईटी अपील्स के पास चला गया, सीआईटी अपील्स ने जो है एसएससी के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, एसएससी के तो फेवर में पास हो गया तो एसएससी की तो बल्ले बल्ले हो गई, डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट जो है आईटेट के पास अपील करना चाहेगा, ठीक है। सॉरी एओ एओ जो है क्या करना चाहेगा, आईटेट के पास अपील करना चाहेगा, एओ एसएससी ऑफिसर आईटेट के पास अपील करना चाहेगा। तो डिपार्टमेंट ने एओ को कहा तू अपील फाइल करने की बजाय, इसको एक एप्लीकेशन फाइल कर, और क्या बोल कि भाई जो पर्टिकुलर इशू, जिस पर्टिकुलर इशू पे सीआईटी अपील्स ने जो है डिसीजन दिया है उसी तरह का इशू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग है, तो जैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा हम उसके बाद एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद जो है आपको जो है क्या करेंगे एप्लीकेशन देंगे, किसकी अपील की। इतनी कहानी सुनवाई, आप पढ़ना। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन द केस ऑफ एसएससी और एनी प्रीवियस ईयर इज आइडेंटिकल विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी रेज्ड, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इधर चल रहा है, और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इधर चल रहा है वो सेम है, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन द केस ऑफ एसएससी बोले तो ये वाला फॉर एनी प्रीवियस ईयर इज आइडेंटिकल विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो इधर चल रहा है किसके केस में चल रहा है, या तो एसएससी के केस में चल रहा हो या फिर किसी दूसरे पर्सन के केस में चल रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये देखना है कि भाई इशू सेम है। तो देखो क्वेश्चन ऑफ लॉ इज आइडेंटिकल विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन हिज केस फॉर एनी प्रीवियस ईयर, मतलब उसी एसएससी का कोई दूसरे प्रीवियस ईयर का केस चल रहा है लेकिन इशू सेम है, या फिर इसी साल का केस चल रहा है किसी दूसरे एसएससी का। अज्यूम करो ये प्रीवियस ईयर है 19-20, ठीक है। अच्छा एसएससी का जो केस है वो 2013-14 का हाई कोर्ट का पेंडिंग है, और दोनों में इशू क्या है सेम है, तो क्या हो गया, तो बेसिकली हो गया क्या कि भाई जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है अराइजिंग इन द केस ऑफ एसएससी 19-20 का इज आइडेंटिकल विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन हिज केस फॉर एनी प्रीवियस ईयर, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो इस केस का है वो सेम है विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी दूसरे प्रीवियस ईयर का इन द केस ऑफ सेम एसएससी।
एसएससी सेम है, एसएससी सेम है। 13-14 का केस किसके पास पेंडिंग पड़ा है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग पड़ा है। 19-20 का केस किसके पास पेंडिंग पड़ा है? सीआईटी के पास पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है क्या कि भाई 2019-20 में एसएससी का केस किसके पास है? सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा, 2019-20 का ही केस किसी दूसरे एसएससी का, एसएससी नंबर 2 का किसके पास पेंडिंग है? हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो मतलब बेसिकली इशू पेंडिंग है, और क्या है, इशू सेम है। अब वापस पढ़ लेते हैं अपन। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन द केस ऑफ एसएससी, बोले तो ये वाला इज आइडेंटिकल विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ, किससे आइडेंटिकल है? क्वेश्चन ऑफ लॉ से आइडेंटिकल है, या तो उसी के केस में या फिर किसी दूसरे एसएससी के केस में फॉर एनी असेसमेंट ईयर। यदि कहानी समझाई तो बेसिकली वो क्या बोलेगा कि भाई हम अपील फाइल नहीं करेंगे, हम अपील फाइल नहीं करेंगे किसको, आईटेट को या फिर हाईकोर्ट को। हम अपील फाइल नहीं करेंगे किसको, आईटेट को। हम अपील फाइल नहीं करेंगे आईटेट को इन द रेलेवेंट केस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स। यदि कहानी समझाई तो हमने कहा कि भाई हम अपील फाइल नहीं करेंगे आईटेट को, हम अपील फाइल नहीं करेंगे आईटेट को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई एसएससी अग्री कर जाता है दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज आइडेंटिकल इन द बोथ द केसेस। क्या मतलब है, अब वापस समझना। एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, वो सीआईटी अपील्स के पास चला गया, सीआईटी अपील्स ने फेवर ऑफ एसएससी में ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, अच्छा, आप एओ क्या करना चाहेगा? एओ जो है आईटेट के पास, एओ जो है बेसिकली आईटेट के पास क्या करना चाहेगा, अपील फाइल करना चाहेगा। डिपार्टमेंट ने एओ को कहा कि तू अपील फाइल करने की बजाय, अपील फाइल करने की बजाय आईटेट को एक एप्लीकेशन दे, और ये कहे आईटेट को एप्लीकेशन दे और ये बोल कि भाई हम अभी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे। क्यों नहीं फाइल कर रहे? क्योंकि जिस इशू पे हम जो है अपील फाइल करना चाहते हैं वो इशू ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग है। तो जैसे ही वो डिसीजन आ जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, और डिसीजन आने के बाद अगर हमें लगता है कि हम अपील फाइल करेंगे तो जो है हम क्या कर देंगे, बेसिकली बाद में अपील फाइल कर देंगे। लेकिन आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन देने से पहले एसएससी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। किस बात की कंसेंट? एसएससी से, एसएससी को भी ये जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी कि भाई एसएससी भी अग्री कर रहा है कि इन दोनों केसेस में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये पर्टिकुलर केस है, इन दोनों का क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम है। इतनी कहानी समझ में आ गई ना? मतलब बेसिकली एसएससी को, एसएससी से भी आपको जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी कि भाई जो इशू है वो सेम है। अब देखो क्या दे रखा है, सेक्शन कब अप्लाई होगा, व्हेन द एसएससी अग्रीज दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज आइडेंटिकल इन बोथ द केसेस। मतलब अगर एसएससी अग्री करता है, अगर एसएससी अग्री करता है तो ये वाला सेक्शन लगेगा। अच्छा देखो, हमने क्या दिया, हमने जो है क्या करा, बेसिकली आईटेट को एप्लीकेशन दी। हमने क्या करा, आईटेट को अपील का फाइल करने की बजाय आईटेट को हमने क्या करा, एप्लीकेशन दी विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स कि भाई हम अपील अभी फाइल नहीं कर रहे हैं। अपील कब फाइल करेंगे? व्हेन द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ बिकम्स फाइनल इन द अदर केस। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ जाएगा तब हम अपील फाइल करेंगे। अच्छा, एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब अपन क्या करेंगे, एक्चुअल अपील फाइल करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट ने क्या करा, डिसीजन दे दिया, और डिसीजन दे दिया अगेंस्ट द एसएससी। डिसीजन क्या दिया, अगेंस्ट द एसएससी का डिसीजन दे दिया। तो अब बेसिकली क्या करेगा, एओ इस ऑर्डर के अगेंस्ट आईटेट को अपील फाइल कर देगा, और आईटेट क्या करेगा, बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे जो है बेसिकली ये ऑर्डर भी अगेंस्ट ऑफ द एसएससी फाइल कर देगा। लॉजिकल कहानी समझ में आ गई? अब देखना, अब मुझे एक चीज बताओ, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब मुझे अपील फाइल करनी किसको, आईटेट को। तो अपील फाइल करूंगा कितने दिन में, वही 60 डेज में, जो नॉर्मल टाइम लिमिट होती है, विद इन 60 डेज। और हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर पास कर, हाई कोर्ट को अपील फाइल करनी तो कितने दिन में हो जाएगी, विद इन 120 डेज ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज कम्युनिकेटेड टू द डिपार्टमेंट। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। अपने केस में क्या हो रहा था कि भाई सीआईटी अपील्स को, सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा था, और अपील किसको जा रही थी, आईटेट को जा रही थी। तो देखो ये रहा कि भाई सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा था और हम अपील कर रहे थे किसको, आईटेट को। तो हमने आईटेट को क्या करा, एप्लीकेशन दिया, हमने आईटेट को एप्लीकेशन दिया, हमने आईटेट को एप्लीकेशन दिया विद इन 120 डेज ऑन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स कि भाई हम जो है अभी अपील फाइल नहीं करे। अज्यूम करो, अब इसको मैं थोड़ा ट्विस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बदल देते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ क्या है, आईटेट है, और इधर मैं क्या लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ हाई कोर्ट। देखो अब क्या हुआ, हाई कोर्ट, आईटेट ने कोई ऑर्डर पास करा इन द फेवर ऑफ एसएससी, मैं हाई कोर्ट को जो है अपील फाइल नहीं कर रहा, मैं हाई कोर्ट को एप्लीकेशन फाइल करूंगा। किस बात की, मैं बोलूंगा कि भाई देखो केस सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, अगर केस सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही क्या करेगा, डिसीजन दे देगा, उसके बाद में जो है आपसे अपील फाइल कर दूंगा। तो देखो, मैंने आईटेट के पास अपील फाइल नहीं करी, मैंने आईटेट को एप्लीकेशन दिया पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में क्या था कि भाई मैंने हाईकोर्ट को जो है बेसिकली अपील फाइल नहीं करी, मैंने हाईकोर्ट को क्या दे दी, एप्लीकेशन दे दी। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई आईटेट हाईकोर्ट क्या है, ये फिर सीआईटी अपील से आईटेट क्या है। सिंपल सी बात जो मैंने आपको लॉजिकली समझाया, इस एग्जाम्पल से समझ लोगे तो आपको लॉजिकली पूरा समझ में आ जाएगा। बेसिकली अपना जो है अपील्स एंड रिविजन वाला पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आप जो है वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको जो है एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड कमेंट में जरूर लिखना कि भाई आप एंड तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे।
तो अपना अपील सबमिशन पूरा खत्म हो गया। अब आपका जो है एक चैप्टर बचा है वो कौन सा है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाला। और आपको जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, रेक्टिफिकेशन मिस्टेक है, जो अपन ने पिछले पिछले क्लास में छोड़ा था, वो मैं आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ करा दूंगा, जब आप सर्च एंड सर्वे वाला कॉन्सेप्ट और रिक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।